अस्सलाम वालेकुम नाजीन, देखते हैं आपको सुनते कानों को समीना का सलाम, खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए गाते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ इंटरटेनमेंट, देखते हैं हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ। हम पहुँचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक, मगर बस हमेशा शुरू करने से पहले आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करते हैं और यही कहते हैं आपसे, हमेशा एवरी शो में यही कहते हैं कि ज़रूर आइए अपना। आप किसी भी पार्टी से मोहब्बत करते हैं, यकीनन आप उसको पसंद करते हैं, आपको उसकी कोई भी अच्छी और ख़राब बात भी बुरी नहीं लगती है, आपको हर खूबी उनमें नज़र आती है, बुराई नज़र नहीं आती है अपनी अपनी पार्टी से जो भी अपना लगाव रखता है। मगर सिर्फ लफ्ज़ों का चुनाव अच्छे से अदा कीजिए, किसी भी ऐसी बात ना कीजिए जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। इसका ज़्यादा ख्याल रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए कि किसी कॉलर पे आके बात नहीं कीजिए। हाँ, टॉपिक पे बात कर सकते हैं, उनके आप उन लोगों के बारे में कोई भी डिस्कस करना चाहते हैं बात कर सकते हैं, मगर ये नहीं कि कॉलर को आके उसकी पर्सनल लाइफ पे बात करना चाहें, तो उससे थोड़ा सा प्रेस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और एक हमेशा ये करा करें कि फ़ौज और अदलिया को लेकर ना आया करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपने टॉपिक पर बात करें जिस पर हम बात करना चाहते हैं। आजकल ये टॉपिक बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जो साबका वज़ीर आज़म रह चुके हैं, नवाज शरीफ वापस आएंगे, इसलिए कि वो बोल रहे हैं, इनके मोहम्मद ज़ुबैर साहब का कहना है कि नवाज शरीफ वापस इस साल के एंड में आएंगे और इस मुल्क को ठीक करेंगे। जो मुल्क की हालात बिगड़ चुकी है, जो मुल्क के हालात बुरी तरह ख़राब हो चुके हैं, तो ये हुकूमत तो बिल्कुल नाकारा हो गई, नाकाम हो गई, इससे तो ये हुकूमत चलेगी नहीं। आवाम को जिस भंवर में दलदल में घुसेड़ दिया है इस हुकूमत ने, तो उसको आके सिर्फ नवाज शरीफ ही सुधार सकते हैं। और वो कह रहे थे, बड़े बड़े बात कर रहे थे कि जिन्होंने नवाज शरीफ को भेजा है वही नवाज शरीफ को लेकर आएंगे और बड़ी मन्नतों के बाद उसको वापस लेकर आएंगे और चौथी दफा भी वही वज़ीर आज़म बनेंगे। जो आपके बकौल के जो दवाई लेने गए थे तो अभी तक वापस नहीं आए, तो वो कह रहे हैं कि अब नवाज शरीफ को कौम की हालत देखी नहीं जा रही, कौम की जो बुरी हालत हो चुकी है, तो नवाज शरीफ इस कौम की इस हालत को देखते हुए उन्होंने फैसला किया है कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा और दोबारा से। और आप सोचें कि जिन लोगों ने इनको भेजा था, आज पूरे मीडिया पे यही शोर मचा था, जिन लोगों ने इनको भेजा है वही लोग इनको वापस लेकर आएंगे, बल्कि मन्नतों के बाद वापस लेकर आएंगे और नवाज शरीफ भी चौथे वज़ीर आज़म बनेंगे। तो आप बताइए आप लोगों की क्या राय है इसके अंदर। बस दरख्वास्त आपसे यही है कि लफ्ज़ों का चुनाव सही अदा कीजिएगा, कोई ऐसे लफ्ज़ नहीं बोलिएगा जिससे किसी की दिलाज़ारी हो। आइए आने के बाद अपना राय दीजिए, अपना ओपिनियन दीजिए, आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रखते हैं, आप क्या सोचते हैं कि नवाज शरीफ को वापस आने के बाद चौथा वज़ीर आज़म बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ये आप राय ज़रूर दीजिए, मगर आने के बाद जो ना लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। अब देखते हैं, जब सबसे पहले कॉलर मेरे साथ शामिल होंगे और जब सबसे पहले कॉल करेंगे तो उनको ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूंगी, तो कोशिश कीजिए कि जो भी पहले आना चाहता है, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, सबसे पहले कॉलर बनना चाहता है, तो ज़रूर आइए। और देखा कि आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, हुकूमत, मगर कहना चाहिए ये सब चीज़ें तो मीडिया पे चल रही हैं, पर हुकूमत बहुत मुतमईन है और हुकूमत लगता है कि अपना टाइम पीरियड तो पूरा करेगी, 2 साल तो पूरे करेगी, और करने के बाद अभी तक तो हुकूमत के बारे में कोई ऐसी चीज़ें नहीं सामने आई हैं, मगर 2 साल के बाद जब इनकी कंप्लीट हो जाएगा इनका टाइम पीरियड, तो फिर लगता है कि चीज़ें सामने आना शुरू होंगी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो महंगाई का जो, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, ये सबसे पहली कॉलर है, मैं इनके साथ बहुत सारी बातें करूँगी, अब जब मैं बात करना शुरू करूँगी तो सारे कॉलर धड़धड़ आएंगे, तो थोड़ा वेट कीजिएगा, ऐसे नहीं कि फ़ौरन एक कॉलर को बात करने का मौका नहीं देते और फ़ौरन आ जाते हैं कि बस हमारी राय ले लें। तो पहले मैं इनकी पूरी राय लूँगी, अगर कोई कॉलर आया तो मैं उसकी राय भी लूँगी। जी हेलो जी। बस अभी हम मतलब यही कहना चाहती हूँ कि यार कोई भी वज़ीर आज़म बने, कम से कम आवाम की हालत पे वो जरूर रहम करे, चाहे वो नवाज हालत पे वो जरूर रहम करे, चाहे वो नवाज शरीफ साहब वापस आकर प्राइम मिनिस्टर बन रहे हो या मौजूदा इमरान खान साहब, वो आवाम के बारे में थोड़ा सा सोचें। भी आप देखें क्या असर हुआ है, थोड़ी सी बारिश हुई थी कराची में तो क्या हाल हो गया कि वो बिजली वैसे ही चली गई, पानी पूरा सड़कों पर भर गया, लोगों के घरों में पानी घुस गया, तो लोग कितने ज्यादा, आवाम तो हर तरह से परेशान है बेचारे, दवाइयां खरीदने जा रहे हैं तो वो जो दवाई जो है वो कितनी ज्यादा बढ़ा दी गई सारी दवाइयों के प्राइस, बहुत मुश्किल में है लोग। और इमरान खान साहब से तो बहुत ज्यादा उम्मीदें भी थी, लेकिन इमरान खान साहब ने भी आकर जो वादे किए। एक सेकंड के मैं ये कॉलर को जरा होल्ड करा दूं, आप इसे बात करूंगी। जी हेलो, जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक सेकंड के लिए होल्ड कर ले, मैं आपसे बात करूंगी तफसील से, जरा इनसे ले लूं, इनसे बात कर ले पहले मुकम्मल। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत सारे कॉलर एक साथ ही आ गए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक मिनट के लिए होल्ड पे रहे, पहले कॉलर जो है उनसे बात कर लूं, फिर आपसे कंटिन्यू बात करूंगी, सेकंड कॉलर से फिर आपसे, ठीक है? जी जी जी। ओके, नहीं नहीं 2 घंटे
दो चार घंटे का तो प्रोग्राम ही नहीं है, 2 घंटे का प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम 2 घंटे का और होल्ड करेंगे हम 1 घंटा। नहीं 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 1 घंटा नहीं करेंगे, जल्दी 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 एयर करूंगी, जल्दी से सबके मैसेज लूंगी, फिर उसके बाद दोबारा कॉल करूंगी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये अब दोबारा से, अब तो ये रेस शुरू हो गई कि हु इज द बिकम अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो अभी तक हमें अवाम को सिर्फ वादों पे ही तरखाया जा रहा है, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या पुरानी जमातें हो, सारे के सारों ने मिलकर सिर्फ अवाम से झूठे ही वादे किए थे। और अवाम तो पता नहीं किसी मसीहा की तलाश में है कि कौन आएगा और उनकी हालत को दोस्त करेगा। अभी यही कहना चाहती हूँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी हेलो जी, जी मोहतरमा की मैंने बात सुनी और मोहतरमा की बात बहरहाल हकाइक पर मबनी है, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि आवाम वाकई तंग है, परेशान है और जो बातें जो ख्वाब उनको दिखाए गए थे वो पूरे नहीं हुए, 3 साल में तो नहीं हुए, आइंदा 2 साल में क्या होगा। दूसरी चीज ये कि एक डिस्कशन जो आजकल मौजूद गुफ्तगू है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं जी। तो भाई बात ये है कि नवाज शरीफ साहब के जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ा, उनके आने से किसी को फर्क नहीं पड़ा। अब तो उनके जो जो आप सोचे, आप कह रहे हैं उनके जाने से फर्क नहीं पड़ा, वो तो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ चले गए, इस हुकूमत को तो कोई इतनी नकारा हुकूमत थी, इसको तो समझ लें हुकूमत चलानी नहीं आई, मुल्क चलाना नहीं आया, और नवाज शरीफ ही चला सकते हैं आके, और नवाज शरीफ साहब देखा नहीं जा रहा। 2 मिनट दीजिएगा मुझे जी। नवाज शरीफ साहब को 1999 में हुकूमत से अलग किया परवेज मुशर्रफ साहब ने जी। जब उनको अलग किया गया तो उनके ऊपर एक तैयारा साजिश केस बना था, अगर लोगों को याद हो उनकी याददाश्त में है तो। अच्छा, उस तैयारा साजिश केस के अंदर उन्हें सजा सुनाई गई थी जी। और फिर एक दिन लोगों ने वो भी देखा कि जब रात में उनकी सजा जो है वो एक तरफ रख दी गई और बनाए फैमिली बनाए मुलाजमीन के वो 7 साल के लिए सऊदी अरब में सकूनत पजीर हो गए जी। ठीक है, वो भी सजा याफ्ता थे उस वक्त भी। उसके बाद जनाब वही नवाज शरीफ साहब, लोग कहते ना कि यार वो चोर था, वो डाकू था, उसको पकड़ लिया, परवेज मुशर्रफ ने बंद कर दिया और ये कर दिया। वही चोर और डाकू जो था ना, वो फिर बाद में 7 साल की वो अपनी पूरी करके वो वापस पाकिस्तान आया, और वापस पाकिस्तान आने के बाद फिर उसे इलेक्शन लड़ाया गया, फिर उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। ठीक है, फिर जब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद फिर दोबारा एक और तजर्बा हुआ कि जनाब उनको एक केस में नाहल करार देकर और उनको जेल भेज दिया गया। जब वो जेल गए उन्होंने एक सेटिंग और की, जेल से निकले लंदन चले गए। तो अगर वो वापस लंदन से आके दोबारा वजीर आजम बन जाएंगे और शाह महमूद कुरैशी उनके वजीर खारजा होंगे या अली जैदी उनके फाइनेंस मिनिस्टर होंगे तो मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी। उसकी वजह ये है पाकिस्तान में प्रैक्टिस बहुत अरसे से जारी है, एक आदमी 15 दिन पहले चोर होता है अगले दिन वो हाजी हो जाता है, यानी कि पहले वो हाजी होता है अगले दिन वो चोर हो जाता है। तो उसको किसी को फरिश्ता और शैतान बनाने में यहाँ लोगों को टाइम नहीं लगता, 15 दिन लगते हैं आदमी सीधा हो जाता है। अभी वो आएंगे वहां से उतर के किसी अदालत में नजरसानी की दरखास्त दी जाएगी, तो नजरसानी की दरखास्त पे कोर्ट तो जब आप ये सोचेंगे इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि तो यकीनन कुछ ना कुछ तो उसके अंदर खाने बात होगी। वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इनको भेजा था वही लोग लेकर आएंगे और बड़ी मन्नतें करके उनको वापस लाया जाएगा और वो चौथे भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो यानी कि इसका ये मतलब है कि डील बन चुकी है, यानी कि डील बन चुकी है, जिन्होंने भेजा है वही लेकर आएंगे और कह रहे हैं बड़ी मन्नतों के बाद लेकर आएंगे। चिल्ला रहे थे हमारे वजीर आजम साहब, चिल्ला रहे थे 6 महीने से कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, अपोजिशन चाह रही मैं एनआरओ दे दूं, मैं एनआरओ नहीं। भाई आपसे एनआरओ कौन मांग रहा है, जिन्होंने देना था उन्होंने दे भी दिया, बंदा बाहर भी चला गया जी। आप मामू बन गए, अब आप मामू बनने के बाद अब अपना मुंह छुपा रहे कि मैंने तो ये नहीं कहा था, मुझसे तो धोखा हुआ, मुझे गलत रिपोर्टें पहुंचाई गई। भाई भाई आप मामू बन गए हो, तस्लीम कर लो जी। तो अब आप ये देखे ना कि वो थोड़ा सीना चौड़ा करके था ना है ना होगा। आप एसी का प्लग तो छोड़ दो, आप प्लग का तार नहीं पकड़ सकते, उसके प्लग तो निकालना दूर की बात थी। तो यानी कि आप यानी कि आपको भी लगता है कि है ना, ये कहते ना नवाज शरीफ दोबारा से वापस आ जाएंगे। और मैं कह रहा हूँ ना, मुझे हैरत नहीं होगी अगर वो दोबारा आके प्राइम मिनिस्टर ही बन जाते हैं। पाकिस्तान में दुनिया में कहीं नहीं होता, पाकिस्तान में हो जाता है। अच्छा चलिए, एक और कॉलर है, उनका भी थोड़ा मैसेज ले लूँ। वो कहते हैं 1 घंटे तक आप तो आप मुझे होल्ड पे डाल देंगे, आप होल्ड पे रहिए, जाइएगा नहीं, इनको जरा मैं ले लूँ, उनका भी सुन ले। जी हेलो जी। जी जी देखे मैंने आपको जल्दी ले लिया, मैंने उनका छोटा मैसेज लिया, मैं उनसे और सवाल कर सकती थी पर मैंने नहीं कहा, मैंने कहा नहीं आपको भी टाइम दे दूँ पूरा। नहीं नहीं मैं तो खुद अभी हिम्मत से बैठा होता कि 10-15 मिनट और वेट कर लूंगा मैं। नहीं मैंने कहा आपकी हिम्मत ना जवाब दे जाए, इसलिए मैंने आपको फौरन एयर कर लिया। हाँ मुझे पता था कि लोगों की हिम्मत जवाब दे जाती है वेट करने में, तो बर्दाश्त नहीं है लोगों में, देखे ना मेन चीज ये।
ये इसके लिए भी एक प्रोग्राम करेंगे, बर्दाश्त क्यों नहीं है, बर्दाश्त, ये तो मैं नीचे लिखूंगी, बर्दाश्त क्यों नहीं है, कल का प्रोग्राम में यही लिखूंगी, बर्दाश्त क्यों नहीं है लोगों में। देखें बात ये है कि बारिशें हमारे यहाँ हर साल होती है ना जी, इस सिस्टम को अभी तक किसी हुकूमत ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके रखा हुआ है, इसकी चेन तब्दीली की जरूरत थी। कराची देखें कितना तबाह बर्बाद हो गया, थोड़ी सी बारिश हुई बारिश है, बर्बाद हर साल होती है, हर साल होती है जी, यही रोना होता है। और लास्ट ईयर आपने देखा था कितनी बारिश, तालाब बन गया था, बहने लगे थे लोग और जी फौज आई थी निकालने के लिए। जिन चीजों पे काम करना चाहिए हुकूमतों को वो करती नहीं है जी, वो एक दूसरे के पीछे लग के टांगे खींचने में लगी हुई है। अरे भाई आप देखें हर साल आपको मुश्किल होती है, बारिशें होती है, इसमें मुश्किलात होती है, आपके नालों पे घर आबादियां हुई हुई है, उसको आपने क्यों बनने दिया, ये सारी चीजों पे नजर नहीं रखते ये लोग। आखिर में जब उनको गिराया जाता है तो कहते हैं गरीबों के घर गिराए जा रहे हैं, तो मसला तो यही आ जाता है ना कि किस तरीके ये सिस्टम को किस तरह ये सही करें, ये चाहे पीटीआई की हो, चाहे नवाज शरीफ की हो, या पीपी की हो, इन लोगों ने कोई भी ऐसी बारे में कोई सोचा ही नहीं है कि क्या डेवलपमेंट के काम किस तरह शुरू किए जाएं, स्टार्ट किए जाएं। हर साल बारिशों का होती है, बारिशों में यही होता है जी, वो नाले भर गए और रोडों में पानी भर गया, ये भर गया, फिर जैसी बारिशें खत्म होती है सब भूल जाते हैं जी, सब भूल जाते हैं। आप ये देखे ना, काम तो कोई भी नहीं करता है इन सब चीजों के लिए जी, काम एक मैदान में तीनों हुकूमत है, चाहे वो कोई भी हो, उनका कोई उनका ध्यान उस तरफ यानी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पब्लिक, जिसे कहते हैं ना कि आवाम के लिए कोई काम किए जाए। हाँ ठीक है, अगर आप चेंजेस सिस्टम में ला रहे हैं तो जरा थोड़ा सा अवेयरनेस पैदा करें, अवाम में भी लेके आए ना उसको, लेके आए ताकि भाई हमने ये काम किया, हम इस तरीके से काम लेके चल रहे हैं। अब महंगाई का जो मसला यही है ना कि देखें जब उनको आपके खजाने में पैसा ही नहीं है और आप लोन लेके ही आपको अपना चलाना है ना, तो कहीं ना कहीं आपको टैक्सेस बढ़ाने पड़ते हैं। अब चाहे इंडस्ट्रीज के अंदर है, इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट में भी आपका पैसा डॉलर जा रहा है, एक्सपोर्ट करते हैं तो थोड़ा सा आपके इकोनॉमी का जब अच्छी बढ़ती जाती है, एक मजबूती आती है। लेकिन वही वाली बात आ जाती है कि अब नवाज शरीफ आ जाएंगे तो क्या कर लेंगे, महंगाई को वो भी नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। आप देखेंगे उनके जो कारकुन है, जो उनके कारकुन है, वो ये बोल रहे हैं आके टीवी चैनलों पे कि भाई नवाज शरीफ से देखा नहीं जा रहा कौम की हालत, वो कौम की हालत को बेहतर बनाने के लिए वापस आने का उन्होंने फैसला किया, वो आएंगे और फिर ही कौम की हालत सही होगी और फिर मुल्क के हालात सही होंगे, इनसे तो मुल्क ही नहीं चल रहा। उन्होंने साफ कहा है कि वजी अजम इमरान खान से तो मुल्क ही नहीं चल रहा। इसमें और जबकि मेरी ये समझ में नहीं आती, मैं आप लोगों से सबसे कॉलर से ही सवाल करती हूँ कि चलें ये कह रहे हैं कि वजी अजम इमरान खान से मुल्क नहीं चल रहा, पर वजी अजम इमरान खान के साथ जो टीम में लोग बैठे हुए वो तो इनकी ही टीम के लोग हैं सारे के सारे, वही लोग तो इनकी टीम में बैठे हुए ओहदों पे फायर्स हुए हैं, तो फिर मुल्क चलाने में क्या होता है, फर्क पड़ता है? कुछ नहीं है ना, गिने चुने लोग हैं, वही लॉबी काम देखे, वही फरदौस आशिक खान, वही है ना कहते हैं फवाद चौधरी, वही जुल्फी वकारी, वही सारा कुछ है ना, जैसे बंदर की तरह फुदक के उधर बैठ गए, कभी उधर बैठ गए, उधर बैठ गए, जो गिने चुने। अब ये बड़े बड़े शेख रशीद हो गए, ये सब इस सियासत में रहे ना ये बड़े बड़े लोग, तो फिर ये यही कह रहा हूँ, अगर 50 आदमी है तो 50 आदमी वही लोग हैं जो 50 कभी नवाज शरीफ में थे, कभी पीपी में थे, कभी पीटीआई में आ गए, इस तरीके से कैसे काम होगा? काम हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि वही लोग उनको निकाला गया तो उन्होंने अपनी वफादारी। और अभी जो आप देखें ये हुकूमत जो कमजोर हो रही है, तो अभी ये देखेगा सारे के सारे दूसरी जो आएगी तो उसकी तरफ से जाएंगे सारे के सारे, और जो संभाल लेंगे खड़े हो जाएंगे इलेक्शन के अंदर। ये सियासत का जिसे कहते हैं एक नशा है इन लोगों को जी, इन्हें कोई फिक्र नहीं है अवाम की, अवाम की कोई फिक्र नहीं है। आप ये देखे ना, आप ये सोचे कि इतने अरसे बाद नवाज शरीफ को कौम का ख्याल आया, तो ख्याल इस तरह आएगा, देखिए अब ये करेंगे ये कि आ गए तो नीचे अवाम लेवल से शुरू करेंगे, जो रखा हुआ पैसा है ना वो अवाम में ऐसे बांटेंगे, ऐसा लगेगा कि लैपटॉप बांट दिया तो उसमें पूरा यानी पूरे स्कूल कॉलेजेस में सारे लैपटॉप है, इस तरीके से ये टेक्स्ट यूज करेंगे, देखिए अवाम की हमने हालत बदल दी जी, वो उन्होंने यही करना है, इसे तो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि आप देखिए ये तो एक अच्छे खिलाड़ी थे, बस एक अच्छे खिलाड़ी हैं, ये अच्छे सियासतदान नहीं है। वाह कह रहे हैं वो वजह से इमरान खान को कि उनको यही नहीं पता कि अवाम की बेचारों की जो मुसलसल दलदल में घुसेड़ दिया, फेंक दिया उनको, तो उनके हालात हाजरा पे तरस खाए, हालात पे तरस खाए, तो उनको नहीं नजर आ रहा, तो एक बिलावर उनको ही नजर आ रहा है नवाज शरीफ साहब को, और वो वापस आएंगे आने के बाद। मुझे ना वो रखा हुआ जो अरबों रुपए पैसा है वो इस्तेमाल करेंगे लोगों के, अवाम की भला
भलाई के लिए, और ऐसा करेंगे ऐसा लगेगा बिल्कुल। देखें अवाम, हम नहीं कहते थे नवाज शरीफ आ गया, अवाम की किस्मत बदल दी नवाज शरीफ ने, वो एक अलग एक चैप्टर है, अलग सवाल ये हो रहा है कि आप और कह रहे थे इस साल के एंड के अंदर अंदर नवाज शरीफ पहुंच जाएंगे, तो यानी कि ऐसा लगता है कि आपको क्या लगता है कि जैसा लगता है कि मुल्क के अंदर डील हो चुकी है, तभी आके मीडिया पे इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, इतना शोर हो रहा है इस वक्त, तो ऐसा लगता है कि अंदर खाने सारे काम हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। जैसे अभी उन्होंने कह दिया कि एनआरओ नहीं दूंगा, तो एनआरओ तो ऑलरेडी इमरान खान ने दे चुके हैं, पहले उनको बाहर भेज दिया, अब उसके बाद वो वापस आके तो फिर वो भी संभाल लेंगे अपना। सवाल ये है कि देखें अगर वो ये कह रहा, वो एक तरफ हुकूमत ये कह देती है जी हम क्या करें, ये तो कोर्ट्स के ऑर्डर थे, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए जी उनको जाने दो, मर जाएंगे ये हो जाएगा, तो हुकूमत क्या करे। अगर हुकूमत मिली हुई थी कोर्ट से तो नहीं मिली हुई हो सकती, लेकिन इन्होंने क्यों कहा, आपने क्यों नहीं अपने पिटीशन दायर की कि भाई हमें इनको रोकना है, इनके ऊपर कर्जा है, ये मुल्क का पैसा इनके ऊपर इतना गबन है इनके ऊपर। तो मेरे समझ में मेरा सवाल यही तो है कि आप देखेंगे इमरान खान ने इतना शोर मचाया कि कर्जा वापस लेंगे, एहतसाब होगा, सबका एहतसाब होगा, आप देखें किसी का भी वज़ीर-ए-आज़म से इमरान खान ने एहतसाब तो नहीं किया अपने हुकूमत के दौरान, जगह एहतसाब पे खड़े हुए तो हुकूमत नहीं चलेगी, तो हुकूमत तो अभी भी नहीं चल रही, हुकूमत कहाँ चल रही है। आप सोचिए जो काम करने हैं अपने हुकूमत के दौरान, इन्होंने कौन से काम किए, अभी काम गिनवा दें, तीन काम कितने कॉलर ने आके बात की है कि आप तीन काम इनके बड़े गिनवा दें अपने, इन्होंने दौरान हुकूमत में कौन से तीन काम किए, तो कोई भी किसी के पास भी इसका जवाब नहीं होता, कोई भी नहीं आता। आप वो वाले काम आके बताते हैं लोग जो पेपरों में सिर्फ है, नजर तो किसी को नहीं आ रहा, आवाम को नजर नहीं आ रहा, तो फिर ये हालात किस तरह बेहतरी की तरफ जाएंगे। मैंने आपसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जब तक लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं होंगे जी, आप हुकूमत के नीचे तबके तक नहीं पहुंच पाते हैं जी। आपका एक दफा एमपी आता है, उसके बाद उस अपनी शक्ल नहीं दिखाता उस अपने एरिया में आके जीतने के बाद, ये वजह है, इसीलिए लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं, ताकि काउंसलर आपके इलाके में रहता है, वो आपके हर चीज को जानता है, आपके काम के हर काम में वो आगे आएगा, कोई भी एरिया में आपकी कोई प्रॉब्लम है तो काउंसलर आएगा, इसी तरीके से नाजिम रखे थे तो नाजिम है, चेयरमैन है, ये इस लेवल के काम, ये हुकूमत ये अवाम के काम माने नहीं, ये असल में पोर्शन है जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं उस पर पाबंदी है, या उस पर वो कहते हैं हम कराएंगे नहीं, अब नहीं कराने का ये भी एक सवाल उठता है। अब आप सोचिए कि अपोजिशन तो पूरे के पूरे नारे लगा रही है कि अभी इलेक्शन होंगे तो ये हुकूमत दोबारा नहीं आएगी, इनके पास तो सीटें ही नहीं है, जिस तरह कल मेरे प्रोग्राम में बोला जा रहा था सेम वही लफ्ज अभी आज के प्रोग्रामों में लोग बोल रहे थे कि ये तो हारे हारेंगे, इनके पास तो सीटें ही कहाँ हैं, ये क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अब तो ये बिल्कुल बुरी तरह इनकी तो सारे कारनामे जो ना आवाम के सामने जब आएंगे, जब ये हार जाएंगे, बस इनका बहुत मुश्किल है कि दो साल ये पूरे कर लें तो बड़ी बात है। इस वक्त तो देखें ये जो टेन्योर है इसका, ये तो पूरे करेंगे, लेकिन इनमें से वो लोग जो फिर दोबारा अपनी वफादारियां चेंज करेंगे, और जैसे तो मेरे एक कॉल आपको याद होगा कि कॉलर कहते कि ये अपना ये टाइम पीरियड भी पूरा करेंगे, और हो सकता है जो जिनका इनके ऊपर हाथ है वो हो सकता है इनको 5 साल और मजीद करने दे, तो अभी तो अभी जो सुनने में आ रहा है, अब तो देखें सारा कुछ स्टाइल ही चेंज हो गया, अब तो लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को जिन लोगों ने भेजा है वही लोग वापस लेकर आ रहे हैं और मन्नतें करके लेकर आएंगे, और वही इनको प्राइम मिनिस्टर चौथी बार भी इनको प्राइम मिनिस्टर वो ही बनाएंगे। नहीं देखिए इस तरह तो मुल्क की हालत अवाम की हालत भी नहीं सुधरेगी, अगर आप इसी तरह चलाते रहेंगे 3 साल के बाद तो आपको क्या लगता है कि अवाम को आंखें खुलनी चाहिए या अवाम इसी तरह आंखें बंद करके इसी तरह लोगों के कहने में चलती रहेगी, क्या इसी तरह ये अवाम का हाल बुरा होता रहेगा, मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ कभी नहीं जाएंगे, मुल्क इसी तरह डोलता रहेगा। नहीं इसी तरह देखें जब तक अवाम अपना वोट का चुनाव सही नहीं करेगी इसी तरह होता रहेगा, अगर आपने वोट का चुनाव अपना जो जो भी कैंडिडेट जिसको वोट दिया है वो किसी भी पार्टी का हो लेकिन वो एक मुखलिस हो और एक काम वाला हो ताकि वो आपके काम आ सके। सही कह रहे हैं, और उससे पूछेंगे भाई वो किस वजह से आ रहा है, क्या काम करेगा वो, अगर इस अपने इलाके का क्या उसका क्या एजेंडा है, मेन चीज ये उस पर किस तरह काम करेगा, यानी कि पैसे लेके सीट ले लो और उसके बाद आराम से बैठ जाओ, पता ही नहीं है कि अवाम का बेचारे का क्या हाल हो रहा है, तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है ना कि अवाम, एक सेकंड की जी। हेलो हेलो जमीना, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन 3 सालों में वैसे तो कोई एक ऐसी कारकर्दगी मिलती नहीं है जिसको देखकर हम कहेंगे चलो कोई एक वादा पूरा हुआ, जिसके लिए अवाम ने मुंतखब करके इनको ऐवानों में भेजा था, पूरे ऐवान में अब तक अराकीन असेंबली में सिर्फ और सिर्फ एक ही कदर मुश्तरक मुझे नजर आती है, वो ये है कि मरात और अलाउंसेस का जो है अलाउंसेस जो उनके उनका बर वक्त और बाकायदगी से हुसूल, सिर्फ
यही है कि ऐसा काम है जिसमें अपोजिशन और हुकूमती बेंचों में बैठने वाले लोगों में कोई इख्तलाफ नहीं पाया जाता। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे उठाने से मतलब है, बाकी आवाम जो है बाहर में मुल्क कहीं जा रहा है और मुल्क की वो नाजुक जो सिचुएशन है वो किस तरीके से आवाम के ऊपर असरअंदाज हो रही है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, चाहे पोजीशन के अराकीन हो चाहे हुकूमत के अराकीन हो, वो एक दूसरे के ऊपर सिर्फ इख्तलाफात करते हैं आवाम के सामने, पब्लिक के सामने और मीडिया के सामने। उसके बाद में अगर आप ऑफ कैमरा जाकर उन लोगों को देखें तो वो वही वाली बात है, वो आपस में सब एक दूसरे से हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं और सब एक दूसरे के साथ मुतमइन होकर बैठ के चाय कॉफी भी पी रहे होते हैं। तो आवाम को सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है और आवाम जो है वो शायद बेचारी यही समझती कि कोई मसीहा आ गया तो चाहे तो हमारे जो बेसिक जो हमारे रूट्स कॉर्ड्स वगैरह में जो रूट्स कॉर्ड्स हमारी खराब हुई है वहां से उसको कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। इमरान खान साहब ने भी उस तरफ से आंखें बंद करके वो अभी तक सिर्फ यही समझ रहे हैं कि 3 साल में उन्होंने सब कुछ ठीक कर लिया। वैसे 3 साल में नहीं ठीक हो सकता था, लेकिन जो की जा सकती थी उन पर भी उन्होंने कोई मिसाल के तौर पे इतनी बड़ी काबीना जो उन्होंने बनाई इधर उधर से भागे हुए बहुत सारे लोगों को लेकर के उनको काबीना ही छोटी बना लेते हैं और वैसे फिर उनके ऊपर सारे जो अखराजात उठते हैं उनकी जो पूरी उनको प्रोटोकॉल दिए जाते हैं तो वो सारे पैसे भी तो जाया वैसे ही हो रहे हैं जैसे पुराने दौरे हुकूमत में जाया हो रहे थे, इनके दौरे हुकूमत में भी वही सब कुछ हो रहा है। और ये सारे के सारे इस पर राजी और मुत्तफिक जरूर है कि उनके अपने पैसे उनको बाकायदगी से मिलते रहे। अगर इतना ज्यादा मुल्क का हाल बुरा है तो ये जो बड़े बड़ी शख्सियात जो अहम पोस्टों पर बैठी हुई है जरा वो भी तो अपनी जो उनके बड़े बड़ी जो उनकी सैलरी पे ही जाती है उसमें जरा कटौती करने का कुछ एक इशारा ही दे देते कि भाई हम भी अपनी सैलरी कटवाने के लिए तैयार है क्योंकि हमारा मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। नहीं, वो तो ये करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आवाम के आपने गर्दन पे अपने जूते की नोक रख करके टैक्सेस का जो एक्स्ट्रा बोझ है वो सब आवाम के ऊपर लादा जा रहा है कि वो सब कुछ आवाम को निचोड़ के हम ले लें और हमारी जो याशियां हैं उन पे 0% भी कोई फर्क ना है। तो जो वादे दावे थे वो थोड़े बहुत आवाम के हक में काम करने के लिए अगर इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किए होते तो शायद आज आवाम जो है थोड़ी सी तो खुश होती कि यार हमने अगर जो है वो एक ख्वाब दिखाया था इमरान खान साहब ने तो उसमें से ये जो दो चार चीजें उन्होंने पूरी करने की पूरी दिल से कोशिश की और उन्होंने करके दिखाया। तो अभी तो कुछ भी नहीं है बात करने के लिए सिवाय ये बताने के लिए कि वो सारे के सारे मुल्क से भाग गए। अब ये बताया जा रहा है कि वो सारे के सारे मुल्क में वापस आने वाले हैं तो वो भी बिल्कुल सेम हमारे कॉलर एक सही बात कर रहे थे कि एनआरओ ना देने का जो झंडा बुलंद किया था उन्होंने तो वो झंडा फिर कहाँ गया हवा में, वो भी जमीन बोस हो गया है और एनआरओ जिनको देना था वाकई उन्होंने दिया भी और जिनको लेना था उन्होंने लिया भी और आवाम का इसमें कहा, आवाम तो एक सैंडविच बनी हुई है कभी इधर से कभी उधर से, मुल्क के हालात हमेशा नाजुक दौर जो गुजर रहा था वो आज तक गुजर ही नहीं सका और आवाम कभी मुसीबत में से बाहर आ ही नहीं सकी, मुझे तो यही नजर आता है और इसके अलावा कोई नजर नहीं आता कहना चाहते थे ना। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हेलो हेलो जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक, बस ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे? अल्लाह का शुक्र। मैं दो बातें कहना चाह रहा था, एक तो पाकिस्तान के इलेक्शन में जो कंटोनमेंट बोर्ड के हो रहे हैं और एक कनाडा के जो हो रहे हैं। जी अच्छा, कनाडा का जो इलेक्शन हो रहा है उसमें तो लिबर पार्टी के जीतने के चांसेस ज्यादा है। अच्छा, गुड। हाँ, तो टोरंटो में जीतेगा। ठीक, मैं तो उसी को वोट दूंगा बाहर। अच्छा, हमारी फैमिली तो उसी के ऊपर। अच्छा, दूसरी बात ये जो है पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ भी अभी पता चल जाएगा किसकी पॉवर्टी है, किसकी वैल्यू ज्यादा है, कौन किसकी अक्सरियत है। तो अभी अभी जो ऐलान हो रहा है सारी जगह आपने सुना होगा कि वो नवाज शरीफ वापिस आ रहे हैं और ना कहते हैं मुल्क के हालात बेहतर करेंगे, ये ऐलान होते रहते हैं, अभी कोई पक्की इतला नहीं है। अभी तो ये है कि जो इलेक्शन हो, आप कह रहे हैं कि पक्की इतला नहीं है, पक्की इतला है, वो बाकायदा इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, वो वापिस आ रहे हैं, इलेक्शन की तैयारियां भी हो रही हैं, जिनको जिन लोगों ने भेजा था वही लोग उनको वापस लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मन्नत करके लेकर आएंगे, चौथी बार भी वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नवाज शरीफ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आए तो सही, वो तो बात की बात है। अच्छा, पहले आ जाए, दाखिल हो जाए तो फिर उसके बाद बात करेंगे, अभी तो फिलहाल ये बात करेंगे 12 अक्टूबर को जो इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान में उसके कंटोनमेंट बोर्ड के, उसमें कौन जीतेगा, उसमें ये अगर पीडीएम वालों की ज्यादा सीरियस हो गई और इनके लोगों की ज्यादा हो गई तो वही पता चल जाएगा, या पीडीएम वाले दोबारा से उनके बल गिर गए और खत्म हो गए तो वही पता चल जाएगा। क्योंकि यानी कि आपको लग रहा है कि ये जो पीडीएम नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी, कोई एक सीट भी नहीं जीत, एक दो सीटें तो मुश्किल से मार ली वरना मुश्किल है, ये सब ये जीतेगा। अच्छा, यानी कि आपको, और ये तो इलेक्शन मशीन से करवा लो या किसी तरह से भी करवा लो, जैसे भी करवा लो, किसी 12 तारीख को या 20 तारीख को डेट, यानी कि आप इस पे बात नहीं करना चाह रहे कि मुल्क के हालात जो बेहतर की। और एक बात और भी अहम है कि 12 तारीख को हुकूमत उसकी बननी जा रही है, हुकूमत 11 तारीख को अफगानिस्तान की नाम अनाउंस हो गए, हलफनामेदारी होगी 11 तारीख को जी, 11 सितंबर को, सॉरी
हाँ हर तारीफ हो जाएगी इंशाल्लाह अफगानिस्तान में। अच्छा और आज कितनी तारीफ हुई है पाकिस्तान की पता है जी इमरान खान की अफगान बार बार जगह जगह छप रहे और इतनी पब्लिसिटी हो रही है और इतनी बदनामी हो रही है नवाज शरीफ की, कोई भी कभी इतनी वो तारीफ नहीं हुई जितनी तारीफ आज इमरान खान की हुई। चलो हाँ और अच्छी बात है कोई नहीं बता रहा, जब गलत बात होती है तो बार बार बताते हैं काला राके कोई कभी कोई मगर अब जो तारीफ हुई है इतनी तारीफ हुई है अब वो आके कोई नहीं अप्रिशिएट कर रहा। चले वो आपने बताया ना तारीफ हुई है बारे में बोलेंगे फलां के बारे में बोलेंगे जो बुखारी बात बोलते इमरान के बारे में पता चल जाए बस उसको छोड़ेंगे नहीं। आज जो इतनी तारीफ हुई है दुनिया में हर हर न्यूज चैनल ने तारीफ की है सिर्फ जियो के अलावा और ट्विटर के जो इसके अलावा जो तारीफ हुई है हर जगह से तारीफ हुई है। ठीक है आज जो स्पीच हो रही है ट्रूडो की आपने देखा वो उसको भी जरूर देखें, वो भी देखें, देखने के बाद डिसाइड कीजिएगा वोट जरूर दीजिएगा अपना वोट का हक जरूर अदा कीजिएगा। आपके चैनल से देख रहा हूँ वो ग्लोबल से आ रहा है जी ग्लोबल से आ रहा है बिल्कुल बता रहा हूँ आपको मैं देख रहा था सारे ग्रीन पार्टी और सारे ट्रूडो और वो सारे एक सरदार जी वो पीले से पकड़ बांध के आए हुए हैं क्या नाम होता मुझे जी 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 अजीत सिंह जी हाँ तो और सारे लोग हैं बहुत जबरदस्त स्पीच करते हैं वो जब भी तो हमने इलेक्शन का रखा है कि आप बताएं इसीलिए तो हमने रखा टॉपिक भी कि आप लोग आके बात कर सकते हैं इसके ऊपर भी कि कौन सी पार्टी स्पीच भी सुने और देखें बताएं उसके बारे में जी जी कौन जीती है। चलिए ठीक है जी थैंक यू जी। हेलो जी 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 हेलो 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 जी मैंने कहा कि आप बताइए आप बताइए क्या कहते हैं ना वो अभी जो कॉलर कह के गए कि अच्छी बात कभी कोई नहीं बताता इमरान खान की इतनी जबरदस्त अच्छी बात उन्होंने की अफगानिस्तान के लिए लोग सारी तारीफ कर रहे हैं पूरी दुनिया तारीफ कर रही है और आपके कॉलर तारीफ नहीं करते आपके कॉलर सिर्फ तलाश करते हैं इमरान खान में कौन सी बुराई है। मेरे बुजुर्ग हैं माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको जिंदगी सेहत दे और मेरा एहतराम अपनी जगह है सलाम मेरा उनको जी मतलब हुक्के अली और हुक्के माविया में आदमी को इतना आगे नहीं निकलना चाहिए पहली बात। अच्छा दूसरी बात ये कि आप जिस चीज की तारीफ कर रहे हैं वो इमरान खान की तारीफ नहीं है जी आपकी हुकूमत की वजारत खारजा आपकी हुकूमत की तकरीबन वजारत खजाना जी और आपकी वजारत दाखिला जी ये तीन तो प्रॉपरली आपको मुल्क की मुसल्ला अफवाज चढ़ाकर दे रही है आपसे तो कुछ नहीं चल रहा जी आपको कहीं से पैसे मांगने में उधार जाते हैं तो आपको पहले आर्मी चीफ को भेजना पड़ता है भाई इनसे बात करके आ जाओ मैं जाके टोकन ले लूंगा ठीक है उनकी तो ये सूरत हाल है। अच्छा इससे पहले कॉलर बात कर रहे थे कि वो बल्दियाती इदारे और लोकल गवर्नमेंट के इदारे जो है वो नहीं बनते तो भाई बात ये है कि लोकल गवर्नमेंट के तरीकेकार पर लोकल गवर्नमेंट के कानून पर जितनी सियासी पार्टियां विफाक में और सूबों में सियासत करती हैं वो तमाम लोग मुत्तफिक हैं कि हमने बल्दियाती इदारों को इख्तियार नहीं देना जी। चाहे वो पीडीआई हो चाहे वो नून लीग हो चाहे पीपुल्स पार्टी हो मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ जी। अगर इमरान खान नहीं देते या बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराते तो नवाज शरीफ ने भी नहीं कराए पीपुल्स पार्टी भी नहीं देना चाहती। हाँ तो देखिए बल्दियाती इंतखाबात तो इमरान खान ने एक साल का टाइम दे दिया ना उन्होंने तो पहले लोगों ने सोचा था कि इंतखाबात के लिए क्यों तैयार नहीं होते बल्दियाती इदारे क्यों नहीं बनाने देना चाहते उसकी वजह ये है कि अगर बल्दियाती इदारों को फंड दे देंगे तो ये जो बंदरबाट होती है सेनेटर के इलाके में फंड दे दिया एमपी के इलाके में फंड दे दिया वो कैसे होगी वो तो सब इसी आश्रय में भाग कर आए हैं आपकी गोद में बैठे हैं आपके लाल पीले मफलर पहने हैं आपके इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि भाई हमें फंड दोगे तुम हम तो खाने कमाने आए 22-22 करोड़ रुपए हम एक सीट के ऊपर खर्चा करते हैं इलेक्शन में जीतने के लिए तो वो खर्चा भी तुम वापस निकालेंगे वो कैसे निकलेगा तो वो बांटने के लिए जो रकम है वो कहाँ से आएगी वो इन्हीं बल्दियाती इदारों का फंड रोक कर और वो इनको बांटे जाते हैं कि तुम अपने इलाके में काम करा लो अपना झंडा लगा लो जी। तो इसलिए बल्दियाती इदारे यहाँ नहीं बनेंगे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ बल्दियाती इदारे नहीं बनेंगे। तो अच्छा ये बता देंगे जो कराची की जो हालात बुरी हो रही है कराची वालों का अब क्या होगा तैयार हो जाएं सारे कराची वाले कराची का कराची सबका मगर कराची का कोई नहीं तो क्या बोलेंगे इस सिलसिले में आप।
देखिए कराची के ऊपर जब आप बात करेंगे ना, आपके पास बहुत सारे कॉलर ऐसे होते हैं जी जिनको कराची का के भी नहीं पता। जी के भी नहीं पता, इसलिए मैंने ना टॉपिक नहीं लिखा, इसलिए मैं सिर्फ आपको तो पता है इसलिए मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहती हूँ। कराची का के भी नहीं पता, वो कराची की डायनेमिक्स को नहीं जानते, आग बंद करके कमेंट्री कर रहे हैं। मगर आप एक बात सुने, कराची तो सभी का साथ देता है, कराची तो सबके साथ होता है, पर कराची के साथ कोई नहीं है तो फिर कराची का क्या। आज आप हिस्ट्री पाकिस्तान की उठाकर देख लें, पाकिस्तान में जब भी कोई कुदरती आफत आई है, सैलाब आया, जलजला आया, जो कुछ भी आया जी, उन तमाम लोगों की जो गिलगित बल्तिस्तान में थे या जो आजाद कश्मीर में थे या जो लाहौर में थे या इस्लामाबाद में थे, उन तमाम लोगों की मदद करने के लिए कराची पहुंचा था। कराची पहुंचा था, सही, यही तो मैं बता रही हूँ। और भी कराची में पहुंचाया जी, कराची में जितने बड़े बड़े हादसा होते हैं 15 रुपए पंजाब से नहीं आते जी, 15 रुपए नहीं आते पंजाब से, कि कराची के लोग जो है वो इस कदमपुरती में जिंदगी गुजार रहे हैं, बारिशों ने तबाह हाल कर दिया, दुकानदार जो है वो। आप ये देखें, तबाह बर्बाद कर दिया, कराची के तो हालात इतने खराब हो गए, जैसे पहले आपने देखा था कि कितनी लूट मार होती थी, लोगों की जाने महफूज नहीं थी, लोगों की चीजें नहीं थी, लोगों के चीने खींच रहे थे, वो मार निकल के सारे लोग बाहर आ गए, और कितना ज्यादा जराइम हो रहे हैं पाकिस्तान कराची के अंदर खासकर, तो आप देखिए कौन जिम्मेदार है कराची का जी। आपने जिन लोगों के ऊपर ये इल्जाम लगाकर ऑपरेशन किया था कि वो लोग ये लूट मार कर रहे हैं, अब तो वो लोग, आपने कह रहा ना हमने साफ कर दिया, सब खत्म कर दिया, तब्दीली ले आए हमने, लोगों के जहन तब्दील कर दिए, तो अब ये लूट मार कौन कर रहा है, अब कौन कर रहा है, मेन सवाल यही पैदा होता है। तो फिर किस तरह, अब आप देखेंगे अगर लोग यहाँ से जाने की भी ट्राई करते हैं कि हम लोग जेल लेके जाएं फैमिली को, तो लोगों को यही डर है कि एयरपोर्ट से सही सलामत घर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे या लूट लिए जाएंगे, आप अंदाजा लगाएं कि लोगों को अब ये डर और खौफ हो गया। ऊपर से रही कराची में कोई नाले जो कहा गया था, तो ये हुकूमत के दौरान कम से कम लास्ट ईयर भी इतनी तेज बारिश हुई और नालों पे बड़ी बात हो रही थी कि भाई नालों पे जो घर बना दिए थे तो इसकी वजह से पानी का नहीं सही निकास हो सका, ये नहीं हो सका। एक सेकंड होल्ड करें, रेहान साहब कुछ कहने आया अभी जी। हेलो जी, जो जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और कराची को बिल्कुल छोड़ दिया, और 72-80% टैक्स हम लोग देते हैं कराची वाले, ठीक है, हमारा ये हाल कर दिया है। करीम के जब आफतें आती हैं, ये आती हैं, सही कह रहे हैं, करीम डैडी और जो बड़े बड़े जो समझदार हैं कराची के, सबों ने हेल्प की है, और ये 2 लाख रुपए। अब आप ये देखे ना, कराची तो सबके साथ होता है, मगर कराची के साथ कोई भी नहीं है, कराची सबके साथ है, अंदाजा लगाए दिए जी मदद के लिए, पर अभी देख ले कराची किस तबाही के रास्ते पे खड़ा हुआ है, पूरे पूरे यहाँ से मुझसे मुंह कराया लोगों को जी, पूरे पूरे यहाँ से मुंह कराया, जिले जब जिले आया था मुझे इतनी इतनी मदद की है कि आप तस्वीर नहीं कर सकते पंजाब की और इसकी, मगर इन्होंने अपने सिले सिले में कुछ भी नहीं दिया, हमें जूते ही महाराष्ट्र से रखे हमेशा, पंजाब को पंजाब ने और सबने सुबह किसी सुबह ने हमारी एक सेकंड हेल्प कर रहे हो जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसे? उन्होंने करना है जिनकी पिछले 13 साल से हुकूमत है कराची में जी, दूसरे आदमी को तो घुसने ही नहीं देते, आप तो वहाँ जा ही नहीं सकते कराची में, जिनकी 13 ईयर से हुकूमत है पीपल पार्टी की, कराची की हेल्प तो उन्होंने करनी है, कराची अगर जाके इस्लामाबाद की हेल्प कर सकता है, कराची अपनी हेल्प क्यों नहीं करता, निकले ना बाहर सड़कों पे सारे के सारे, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, सारे के सारे, वहाँ वहाँ महाजर भी है, वहाँ पठान भी है, वहाँ पंजाबी भी है, वहाँ सराखी भी है, वहाँ बलोची भी है, वहाँ सिंधी भी है, निकले ना सारे रल के निकले, एक एक को ना बोले कि एक कौम निकलेगी या दूसरी कौम, जी जी जी, सारे सारे मिलके निकलो, देखो ये दूसरे दिन चेंज होते हैं कि नहीं चेंज होते, जैसे एक हमारे लंदन के लीडर ने बोला था एक दफा, उन्होंने कहा अगर आपका ये आप हिस्सा नहीं देते, आप इनके घरों में घुस जाओ जाके, इनके घर चला दो जाके, 3 मिनट में होश ठिकाने आ गई थी सबकी, ऐसा लीडर चाहिए कराची को, सही। हाँ, मुझे किसी को कराची का नहीं पता जी, सारी दुनिया जानती है भाई कराची को, कराची क्या है, अब वो कराची नहीं है जो 13 साल पहले या 20 साल पहले था, अब दुनिया लोगों ने लूट लिया उसको नोच के खा गए ये लोग, 13 ईयर में एवरी गॉड डैम डे दे टेक अ मिलियन एंड मिलियन डॉलर फ्रॉम द कराची जी, और एक कौम वालों को ना ज्यादा चेयरमैन नहीं बनना चाहिए, ना तो कोई उर्दू स्पीकिंग वहाँ बिजनेसमैन है इतना बड़ा, ना कोई पठान इतना बड़ा बिजनेसमैन है, ना कोई सिंधी है, ना कोई बलोची है, ना पंजाबी है, सारे रल के काम करते हैं तो वो कराची को चला रहे हैं, इसलिए कराची के एवरीबॉडी इज डूइंग हिज ओन शेयर, एक काम नहीं कर रहे वहाँ पे,
सही बाय जी। हेलो जी जी, सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? ठीक है, ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे जी? आप ये देखे, कॉलर ने बड़ी अच्छी बात की, लास्ट तीनों कॉलर ने, कराची जो है ना वो चारों सूबों को चला रहा है, चीन, पंजाब, बलूचिस्तान और आपका, कराची चारों सूबों को चला रहा है, पर कराची को कोई नहीं चला रहा, उसका क्या जवाब है आपके पास? आप सही कह रहे हैं, क्योंकि भुट्टो जिंदा है, उसके पास चाबी है कराची की, वो चाहता है कि भुट्टो साहब तबाह कर दे। आज देखे, कल जो कॉलर कह रहे थे क्रेडिबिलिटी है, आज वो बिलावल गाली दे रहा था नवाज शरीफ को, कह रहा था कि ये दोगली जमात है ना जी। आप सोचे, आज वो कह रहा था ये क्रेडिबिलिटी है, कि कल वो प्राउड फील कर रहे थे। ये कह रहे थे भाई, कराची के बारे में तो आप ये सोने की कहते थे चिड़िया या अंडा, वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, सब इससे फायदा उठाते हैं। और वो देखे, पंजाबी क्या पाकिस्तान है, कि नवाज शरीफ पंजाब का है, तो भाई उसका भी हक था कि वो ख्याल करे कराची का, तो वो सिर्फ पंजाब है तो पंजाब का ख्याल कर रहा है। आप जो जो जिस सूबे का है भाई, आप इसको भी पाकिस्तान का हिस्सा करो। और बात सिर्फ यही है कि सिंध जो है ना, सिंध ये तबाह कर रहा है, ये चाहता नहीं है कि कराची जो है ना वो हालात सही हो। आप ये देखिए, अपना हिस्सा पूरा लेता है 18वीं तरमीम में, कि जो हर साल का बजट होता है ना, वो पूरा चाहिए उसको जी। और वो लेके वो सिंध धरती माँ है, वो एंजॉय करता है, वो उसको मनाता है। आप ये देखिए, कोई भी मुराद अली शाह को नहीं बोलता है, कायम अली शाह को तकरीबन 20 से 25 साल दो वजीर आला ने इस पे काम किया है, और सब ये जो 3 साल 2 साल 1 साल हुआ है बुजदार, उसके पीछे लग जाते। लोगों की सोच देखे जी, के लोग एक जो कराची हड़पा मुंजो दौड़ो बन गया है, एक शख्स नाम नहीं लेता है, वो क्योंकि मौरूसियत भरी हुई है। अब आप ये देख लेना, कराची में लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी बारिशें हो रही हैं बुरी तरह। अब कराची के लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, आप अंदाजा लगाएंगे, चोरी चकारी वही दोबारा से शुरू हो चुकी है, वही लोगों ने लूट मार मचाना शुरू कर दिए, लोगों की जाने महफूज नहीं है, अगर जाने का भी लोग सोच रहे हैं, तस्वुर कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट से सीधे हम घर किस तरह जाएंगे, रास्ते में ना लूट लिए जाए। तो अब अंदाजा लगाएंगे, ये हुकूमत कुछ भी नहीं कर पा रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसके दौरान, एक लावा पक रहा है। आई एम टेलिंग यू, हर अमल का रद्द अमल होता है, आप एज सून देखिएगा, किसी भी वक्त देखोगा भी एक्शन। ये लोग जो है ना, ये कराची के लोग ही निकलेंगे तो चारों सूबों की हालत और चेंज होगी। ये किसी के वजीर आजम में तप्पड़ नहीं है, ना वजीर आला में तप्पड़ है जी। ये कराची के लोगों में कि वो कराची के हालात अपने हाथ में लेंगे और फिर अपने हाल अपने हाथ से हालात तब्दील करेंगे। आप यानी कि दिन भर आप देखे ना कि आप क्यों बुजदार का नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि वो वजीर आला है पंजाब का, है ना। तो कोई क्यों मुराद अली शाह, कायम अली शाह का नाम नहीं लेता, इसलिए नहीं लेता, दे लाइक भुट्टो जो जिंदा है, तो शर्मिंदा भी नहीं होते हैं ये कि भाई मैं कहता हूँ वी प्राउड। चलो एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए, और रेहान साहब बहुत बार बार आ रहे हैं, रेहान साहब का भी ले लूं मैं ऐसे जी। हेलो जी, 15 सेकंड की बात है जी। वो ये बात ये कहनी है कि वो कह रहे ये कराची के लोगों की मदद क्यों नहीं करते लोग, जो सरमायादार मैंने बताया कि इतने पंजाबी अपनी कराची की मदद क्यों नहीं करते। अगर कराची की वो मदद करेंगे ना, तो फिर हुकूमत हाथ पार होकर बढ़ जाएगी, जो कुछ करती है वो निकली कहेगी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अब ये वो ही करें जो 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 लोग जो सरमायेदार हैं, जो जो इंडस्ट्रियल्स हैं, जो बाहर के जो लोगों की जिले में मदद कर रहे हैं वो कराची की मदद करें, फिर हुकूमत कुछ नहीं मदद करेगी, इसलिए वो नहीं करते मदद, वो जमरे की वजह से उन लोगों की मदद करती थी, वो तो आखिरी बात थी जी। तो मुस्तकिल बुनियादों पर कोई मदद, तो आप बताएं कि फिर कराची के हालात कैसे सही होंगे, आपके नजदीक क्या आइडिया है, क्या आप चाहते हैं कराची किस तरह बेहतरी की तरफ जाएगा, सवाल ये, एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कराची में बात हो रही है। अरे तो पहले तो टॉपिक पे बात कर लें, मैं तो कराची को लेकर आ गई, मगर टॉपिक जो मेरा है उस पर तो बात करें कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और इस साल में आएंगे दोबारा से, अच्छा 2 महीने पहले बोली थी, आज देख लें वो उसने क्या नाम है, जावेद लतीफ ने भी बोल दिया, जावेद लतीफ ने तो कहा कि 3-4 महीने में आ रहे हैं और मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे जब जावा, और नवाज शरीफ को वही लोग जिन्होंने भेजा था वही लोग लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल ये देखें आप, और कह रहे हैं कि मन्नतें करके लेकर आएंगे, जावेद लतीफ ने ये बोला है, बिल्कुल आपको बताया है ना, और जावेद लतीफ ने ये बोला है कि 4वीं दफा भी यही वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे मुल्क के,
बिल्कुल बिल्कुल होना यही है सिस्टर, ये आप देख लीजिएगा होना यही है। ये अब ये बोरिया बिस्तर इनका जाने वाला है पीटीआई का जी। ये अब ये खत्म हो गई पीटीआई, आप देख लीजिएगा ये। ये आपको पहले हमने तो 2 महीने 2.5 महीने पहले आपको ये बात बोली थी। अच्छा मैं बात सिस्टर बता एक सेकंड लूंगा, पर कराची पे जो बात हो रही है, कराची कहाँ से मंजूदाड़ो बन गया? कराची इतना, कराची अब भी वही कराची है जो आज से पहले था, सही है। सिर्फ गंदगी का मसला है, वो क्या मसला है सिस्टर? ये जब मुस्तफा कमाल ने पुल बनाने के लिए उस पर तोड़ फोड़ वगैरह जो करी थी, वो चीज वहीं की वहीं पड़ी हुई है, ठीक है। कि कराची अब मंजूदाड़ो, कराची को आप मंजूदाड़ो से मिला रहे हैं भाई। कराची अब भी हर चीज कराची के अंदर मिल रही है। अब अंकल आगे अमेरिका वाले अंकल कह रहे थे किसी एक महाजिर का नाम बता दो कि जो वहां बिजनेसमैन हो, दो तो आप उंगलियों पे मैं आपको बता देता हूँ। एक अकील करीम डैडी है, उर्दू स्पीकिंग है, सही है। और ये फैसल वाडा, ये भी उर्दू स्पीकिंग है। ये लोग तो बड़े बिजनेसमैन है ना वहाँ के। मुझे तो मतलब ये सिस्टर के वहां पे ये जो है ना, ये बुग्ज भुट्टो है के जी वहां पे इनकी हुकूमत नहीं है। वो आगे कह रहे हैं कि जी गुजदार को बातें क्यों सुनाते हो? अब भाई तुम गुजदार को तुम मुराद अली शाह से मिला रहे हो। मुराद अली शाह हर वक्त एक्टिव रहता है, गुजदार कहीं आपको नजर आते हैं कि कहीं कुछ और रोड पे कहीं खड़े हुए आपको आप बता दे एक तस्वीर मेरे को गुजदार नजर आए हो। वो पपेट है इमरान खान। वो तो उस्मान बुजदार के बारे में तो ये कहा जाता है कि अगर कहीं रश और क्राउड होता है तो वो चले जाते हैं अपनी गाड़ी का रुख मोड़ के, वो वहाँ पे क्राउड में जाते ही नहीं है। जी बिल्कुल सही है ना, उनको क्राउड में नहीं जाना होता। जी मैं वही वाला से कह रहा हूँ ना सिस्टर के भुट्टो कल भी जिंदा था, भुट्टो आज भी जिंदा है, भुट्टो कल भी जिंदा रहेगा। वहाँ पे पीपी की हुकूमत को हिला नहीं सकता कोई, सिंपल इज इट। तो ये बातें सिस्टर, और बाकी यही है इमरान खान का बस। आप अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह होने वाला है इंशाल्लाह बहुत जल्द, आप देखिएगा। यानी कि आपको लग रहा है कि 5 साल पूरे नहीं करेगा, 2 साल से पहले ही हो जाएगा इसका? बिल्कुल इंशाल्लाह अगले साल देख लीजिएगा, ये जा चुका होगा। अच्छा चले, ये आपने बात की है। देखिए ना सिस्टर, उसने भी आज क्या बोला है, बुलावल ने आज तकरीर में क्या बोला है, उसने भी यही बोला है कि इनकी हुकूमत जो है बस अगले साल इलेक्शन के लिए तैयार हो जाओ जी आलो। आज उसने इलेक्शन वहां पे कहीं मैं तकरीर कर रहा था, वहां पे उसने ये बात बोली है, ठीक है। और उनका जो आपस में इख्तलाफ है वो यही है कि जी पंजाब की हुकूमत देखे गिरी और ये इलेक्शन कॉल हो जाएगा। फिर ये चाह रहा है कि पीडीएम वाले किसी तरह पंजाब की हुकूमत इनके साथ मिलकर गिराते हैं। तो यानी कि आप वाहिद कॉलर हैं जिन्होंने कहा है कि है ना ये पूरा टाइम पीरियड नहीं करेगा, वरना ज्यादातर लोगों ने कहा है कि 2 साल तो ये पूरे करेगा, 1 सेकंड होल्ड करेंगे। जी जी हेलो जी। उम्र के कोई जिंदा नहीं होता, मौत एक दफा आती है आके आदमी खत्म हो जाता है। ये कि जिंदा ही क्या हौसला लगाए रखा है कि जिंदा है, मर गया खत्म हो गया फिनिश, दुनिया मर गई। नबी वली मोहम्मद मर गए और अल्लाह का इशारा है कुल्लु नफ्स में ज़ायक़तुल मौत, हर चंद परिंद को मौत का मतलब चखना है। ये कैसे कहते हैं जिंदा है जिंदा है? ये तो इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं। चलें ठीक है, दुश्मनी में बात करते हैं जी। ये तो ऐसे नगर कुफर में शुमार होने लगोगे, ऐसी बातें करते हैं ये कुफर में शुमार होने लगते हैं लोग। अल्लाह से मांगो, ये जो कोरोना की बीमारियां ये इसी वजह से हैं कि हमको ये पता नहीं कि कौन सी बात हमारी कुफर में जा रही है। चलें ठीक है, थैंक यू जी। हेलो जी, आपने कॉलर की बातें सुन ली जी, क्या कहेंगे अब आप इन कॉलर के बारे में क्या कहेंगे जिनकी अपनी अपनी राय है, जो बता रहे हैं कि भाई सिंध ज्यादातर तो किसकी हुकूमत रही है? बिलावल भुट्टू की सिंध में हुकूमत है तो उसी ने कराची को तबाह बर्बाद, पीपल्स पार्टी ने तबाह बर्बाद किया है। और अभी एक कॉलर ने आके बताया कि जी वो तो 5 साल तक तो इसकी हुकूमत चलेगी नहीं, पीटीआई तो बस नेक्स्ट ईयर ही खत्म हो जाएगी और ना बिलावल नवाज शरीफ दोबारा से चौथे वजीर आजम बनेंगे चौथी बार। तो आपको लगता है कि मुल्क के हालात बेहतर होंगे चौथी दफा वजीर आजम बन गया नवाज शरीफ? तो देखिए जो मोहतरम इस वक्त बात कर रहे थे उस्मान बुज़दार के बारे में जी, तो चारों सूबों में वो वाहिद वजीर आला है जो अभी तक जेरे तामीर है। तो इसकी क्या रीजन है, बैक पे कौन है, इसके हाथ किसका है इसके ऊपर? उसकी वजह ये है कि जब आप एक आदमी को नाहल रखेंगे जिसको कुछ पता ना हो जी, तो आप उसके ऊपर अपना हुक्म चला सकते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि उसको कुछ पता ही नहीं है तो उसके ऊपर हुक्म चल रहा है? उसके ऊपर हुक्म चल रहा है, पंजाब सूबा पंजाब जो इस्लामाबाद से चलाया जा रहा है बनिगाला से, तो पंजाब में वजीर आला का कोई अमल दखल नहीं है। वो एक पपेट की तरह बिठाया हुआ है वहां पर उसको और वो वहां पे अपना फैसले कर रहा है। लेकिन बात वही है कि फैसले जो है वो आते वहां से हैं, इम्प्लीमेंट वहां होता है।
अच्छा, यानी कि आपको ये लग रहा है कि इसलिए उस्मान बुजुर्गजाद अपनी सीट पे खाए हैं, वरना इसका भी तबादला हो जाता, इसको भी हटा दिया जाता सीट से, यानी कि वो खामोश बैठा हुआ है, वो कोई काम नहीं कर रहा। पंजाब में समझदार वज़ीर-ए-आला नहीं चाहिए ना? अच्छा, पंजाब में समझदार वज़ीर-ए-आला नहीं चाहिए जिसको अकल समझ हो, ऐसा आदमी चाहिए ही नहीं वहाँ पे। अच्छा, एक सेकंड के लिए होल्ड करें, जैसे एक कॉलर आए। जी हेलो जी जी सिस्टर, आपने भी पूछा कि उसके पीछे कौन है। अच्छा एक सेकंड, मैं आपके आपसे बात करूंगी। एक सेकंड। जी हेलो जी। हेलो जी, वो तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, अगर वो इस्लामाबाद में बैठ के उसको चला रहे हैं तो उसमें ये शाह साहब को कौन चला रहे हैं? सरदारी साहब चला रहे हैं, जिनके पास कोई कुछ सी पोजीशन ही नहीं है। क्या है सरदारी साहब आजकल? सो एक बीमार आदमी के जो आज भी जा सकता है कल भी जा सकता है, इतनी बीमारियां उसको। तो वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, वो इस्लामाबाद में बैठे, मुल्तान में बैठे, लाहौर में बैठे, जहाँ उसका दिल चाहे बैठ के वो अपना चला सकता है। उससे सूबे में, पंजाब के सूबे में उसकी हुकूमत है, तो यहाँ शाह साहब को कौन चला रहा है ये भी तो देखा करो, और पिछले 13 ईयर से चला रहा है। अब समझ ही नहीं आ रही कि 13 ईयर में क्या नहीं, क्या कुछ नहीं हो सकता। तो जो मेरे प्यारे नेफियो ने बात की थी ना, आजाद है वेरी मच, वो बेटा मैंने इसलिए बात की थी, मैंने हर एक कौम का नाम लिया था, पंजाबियों का भी लिया था, पठानों का भी लिया था, सबका, बलोचियों का, सब मिलके अपना अपना शेर डालते हैं तो कराची इस पोजीशन पे है। हर हर आदमी वहां बिजनेस करता है, एक गरीब आदमी भी पिशावर से चलता है ना तो वो चनों की रेडी या शकरकंदी की रेडी लगा के रात शाम को 5,000 रुपया कमा के ले जाता है घर पे। हर एक आदमी अपना अपना शेर डालता है, हर सुबह का लोग है वहां पे। कराची लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए दुबई है, जिसको जॉब नहीं चाहिए वो कराची में आ जाता है। जेलस होने की कोई जरूरत नहीं किसी को, एवरी पाकिस्तानी सिटीजन हैव अ राइट टू डू दैट, वो जहां मर्जी मूव कर सकता है। अगर किसी कराची वाले को कोई परेशानी है तो जाओ एबटाबाद में जाके जॉब कर लो, पिंडी में जाके जॉब कर लो, पहुंच जाते हैं। आप तो खुद घर से नहीं निकलते, मैं किसी कौम का नाम ले नहीं रहा, मैं कराची वालों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सही। जी हेलो जी, जी आप बोले। जी सर, जी बोले। तो आप वो कह रही थी कि जी उस्मान बुज़दार के पीछे कौन है? जी तो उस्मान, तो सिस्टर जी, तो पूरी दुनिया को पता है कि उस्मान बुज़दार के पीछे वो पीर नहीं है, कि वो हटने नहीं दे रही है। वो तो कह रही है किसी तरीके से ये आदमी नहीं हटेगा, भले इमरान खान की वजारत चली जाए, वजीर आजम की सीट से इमरान खान हट जाए, मगर वो आदमी नहीं हटके देगा वजीर आजम। तो क्यों, क्या वजह भी तो बताएं। ये तो सिस्टर, ये तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पीरनी का आदमी है, वो पीरनी से उनके क्या बात है ये मुझे नहीं पता कि क्या मसला है वो, दैट्स आई डोंट नो, मगर सारा मसला पीरनी का है वो, कि इमरान खान मजबूर है उनके हाथों, कि वो हटा ही नहीं सकता उसको, क्योंकि पूरी दुनिया उसको बातें सुना रही है, मगर क्या मजाल के वो हटा ले, नहीं हटा सकता, क्योंकि पीरनी ने बोला हुआ है कि वो नहीं हटेगा इमरान। तो ये बात है सिस्टर, वही अभी अंकल हमारे आके दोबारा बता रहे थे सिस्टर, कराची के अंदर कोई बाहर क्यों निकलेगा मुझे आप बताएं। तो एक एमके मैंने आपसे पहले भी कहा, अल्ताफ भाई एक आवाज अगर दें तो पूरा कराची निकल जाएगा, इसके अलावा कोई कराची को नहीं निकाल सकता, अल्ताफ भाई एक आवाज दें पूरा। यानी कि आपका मकसद है कि कराची के हालात को बेहतर करने के लिए अल्ताफ हुसैन को वापस लाया जाएगा तो तभी कराची के हालात बेहतर होंगे, वरना कराची के हालात ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही गंदा, ऐसे ही लूटमार, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसी गंदगी के ढेर चलते रहेंगे। आप ये देखिए ना, अल्ताफ भाई ने जब एमपीएम बनी थी डॉक्टर इंजीनियरों से झाड़ू लगवाई, कराची साफ करवाया था, नहीं करवाया था, है ना, ये हमारे अल्ताफ भाई ये है। तो अल्ताफ भाई जब आवाज देंगे कराची निकल कर खड़ा होगा, वरना उसके अलावा कोई दुनिया की ताकत कराची को बाहर नहीं निकाल सकती, चाहे पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, महाजर हो, कोई हो। चले जी, जी हेलो जी, जी हेलो, जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ये तो इस्लामाबाद से चल रहा है पंजाब, तो मैं तो समझा को इंडिया चला रहा है, इनको तो प्राउड फील करना चाहिए कि वो इस्लामाबाद भी पाकिस्तान है। और अमरीका के कॉलर ने जबरदस्त बात की, जरदारी चला रहे वजीर आला सिंह को, जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है जी। कोई सीट ही नहीं है ना, वो काउंसलर है जरदारी, जस्ट वो 10% है और भुट्टो जिंदा है इसलिए। दूसरा ये कि नवाज शरीफ चला रहा था पंजाब को, तो मैंने कहा कोई हैरत कोई बात करेंगे वो, तो भाई ये तो सही है, इसमें क्या क्या इशू है भाई, ये सब पाकिस्तानी चला रहा। कल वो पता है कॉलर कह रहे थे कि इमरान की क्या हैसियत, बाजवा चला रहा है इमरान को, सब आते बाजवा से मिलते हैं, यूएसए का सेक्रेटरी जनरल वो इमरान खान से बात किया उसने,
आपका कुवैत का फॉरेन मिनिस्टर आज इमरान खान से मिला, ब्रिटिश का फॉरेन मिनिस्टर आज इमरान खान से मिला, आज नहीं लास्ट वीक। तो मतलब कहने का कि ये जब इंसान हेट स्पीच पे आ जाए ना, इससे नफरत की तरफ आ जाए, तो पॉजिटिव थिंग अल्लाह ताला ही उनकी आंखों से डिलीट कर देता है। तो कराची को अदारे वो कह रहे हैं मुराद अली शाह हर जगह नजर आता है। भाई नजर आने से क्या, ठेलों पे मैयत जा रही है, ठेले में प्रेग्नेंट औरतें बच्चा दे रहे हैं सिंध में, आप बिलीव करें, कुत्ते काट रहे हैं और वो प्राउड फील कर रहे हैं मुराद अली शाह सबको नजर आ रहा है। अरे भाई नजर आ रहा है, काम नजर आना चाहिए। और जिसने 15 साल हुकूमत की आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और पहले दिन से आज आप बुजदार को बोल रहे हैं जो अभी 3 साल हुआ है जिसका, तो मैं कहता हूँ बोलो जरूर लेकिन कंपेयर भी करो, ठीक है। सो थैंक यू जी। हेलो जी, जी हेलो जी सर जी जी सर, अभी वो आके बता रहे थे सर। जी 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 बोले जी, अंकल भी बोल रहे थे और ये भी आगे बता रहे थे एक और चाचा गांजो इमरान खान के। तो सिस्टर मैं एक बात बहुत सिंपल सी बात है, जो वजीर आला होता है ना उसकी पोस्ट वजीर मुमलिकत से कम होती है, सही है। वजीर मुमलिकत जो होता है वो वजीर आला के ऊपर होता है, क्योंकि वजीर आला जो होता है सिर्फ एक सूबे का होता है, वजीर मुमलिकत पूरे पाकिस्तान का होता है, ठीक है ना। जो वो कह रहे हैं कि वो नवाज जरदारी चला रहा है उसको, तो भाई जरदारी उसकी पार्टी का लीडर है, वो एक सूबा है, सही है। और इमरान खान जो है वो पूरे मुल्क का वजीर आजम है, जिसको जो आर्मी चला रही है उसको, सही है, जो एस्टेब्लिशमेंट उसको चला रही है। तो ये फर्क है कि इमरान खान को चलाने में और एक वजीर आला को चलाने में, कि इमरान खान की वैल्यू बहुत ऊपर है वजीर आला के मुकाबले में। इमरान खान तो वजीर आजम है जो वजीरों का, और मैंने आपको बताया ना कि वजीर मुमलिकत की जो पोस्ट होती है वो वजीर आला से ऊपर होती है। क्यों ये भाई इस अकल को जरा लेके बैठे कि मैं सही कह रहा हूँ, तो फिर इनके बात समझ में आ जाएगी कि इमरान खान को कौन चला रहा है और इसको मुराद अली शाह को कौन चला रहा है। क्योंकि मुराद अली शाह उस पार्टी का वजीर आला, उस पार्टी से बना है। इमरान खान जो है वो वजीर आजम है, पार्टी का सरबरा है, मगर उसके टॉप पे भी एस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है, पार्टी है। थैंक यू सर जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप जी? बहुत जरूरी बात कहना चाह रहा था कि किसी पे झूठे जाने लगा चाहिए, क्योंकि पीने से नहीं पीनी है वो जादूगरनी है। अगर पूरा प्रूफ है उनके पास तो चलो ठीक है बात, अगर उनके पास प्रूफ नहीं है तो कहेंगे तुमको बंदर ना बना दें जादू के जोर से या किसी से। वो पीली जो है जिसको वो कह रहे थे इमरान खान की बेगम को जी, वो कह रहे उन्होंने मना किया इसकी वजह से। नहीं तो वो ऐसी बात क्यों कर रहे थे कि वो पीस नहीं है, वो यू कर देती है, फलाना है, वो जादू। तो उनको बना नहीं करें आप, मुझे बता करें तो वो पीस नहीं है, ये कर रहे। उन्होंने ये कहा कि पीरनी की वजह से जो ना वो आना उनको ना उनका वो नहीं किया जा रहा, चेंज नहीं किया जा रहा उनको, ये पीरनी है वो उसकी बीवी है तो वो हुकूमत थोड़ी कर रही है। तो वो कह रहे हैं कि उन्हीं की वजह से नहीं चेंज किया जा रहा, थोड़ी है तो क्यों ले बैठ रहे हैं उसको, क्यों ले बैठे हैं फिर मुझे बताइए ना बात। आप उसके फेवर में क्यों, मैं उसके फेवर में भी नहीं बोली ना, आपके फेवर में बोल रही हूँ, आपका सवाल का जवाब नहीं बोले, जो आपकी बात है वो करें। तो मैं जब वो जादू करनी है, जादू से सब कुछ कर सकती है तो आपको बंदर ही बना सकती है, ये बात कह रहा हूँ मैं। चले थैंक यू जी जी। हेलो जी जी, अब टॉपिक जो है ना किसी और तरफ जाने लगा मेरा, कि वो आ गई वो पीर जी, पीरनी साहब उन्होंने बोल दिया एक कॉलर ने, तो वो कह रहे हैं कि आप उनसे कहें, आप उनका फेवर ले रही हैं, कहें कि वो बंदर ना बना दे उनको। चले मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, उसके बाद बहुत सारे कॉलर आ रहे हैं, तो उसके बाद ही कंटिन्यू बात करती हूँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे बात करूंगी, उसके बाद दूसरे कॉलर से बात करूंगी, कहीं नहीं जाएगा, साथ रहिएगा, एक ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। जी पूरे ऑन्टेरियो में लाखों लोग अपनी COVID-19 की वैक्सीन हासिल कर चुके हैं। हेल्थ कनाडा की मंजूरशुदा तमाम वैक्सीन्स महफूज और अस्पतालों, डॉक्टर्स के दफातर, फार्मेसीज और आवामी वैक्सीनेशन के मुकामात पर हासिल हैं। अपना किरदार अदा करें, अपनी वैक्सीन हासिल करें। 300 जुबानों में मदद के लिए ontario.ca/bookvaccine पर जाएं या 1-888-999-6488 पर कॉल करें। Canada's Conservatives will secure the future for Milton. From Milton's small business and entrepreneurial sector to manufacturing, our plan will get Milton's economy back on track. We will restore accountability and trust in government, address the mental health epidemic, ensure we're ready for the next health crisis, and get Canada's fiscal house in order. I'm thrilled to work with your Conservative candidate, Nadeem Akbar. Nadeem has 17 years of experience as an IT professional. He's passionate about giving back to the community.
Now he's ready to be your next Member of Parliament. Nadeem is ready to serve the people of Milton. Hello, Milton. My name is Nadeem Akbar. I'm your Conservative candidate. To connect with me, check out my website, nadeemakbar.ca. Pakistan ka sabse mashhoor extra long grain Mughal Basmati rice available in both white and silver. Home delivery is available subject to minimum order and radius. Also available at your neighborhood Freshco. Mazid malumat ke liye aaj hi contact karein 514-6630-480 par ya order karein hamare Facebook se. Banaye ye Ramazan aur bhi khaas Mughal Basmati ke saath. The premium choice for premium taste. का लाजवाब ऑफर जहां हम 0% फाइनेंसिंग पर आपकी मन पसंद कार दे रहे हैं, फ्री विंटर टायर्स और साथ ही हम मुफ्त ऑयल चेंज भी दे रहे हैं, वो भी उम्र भर के लिए। अभी आएं और इस लाजवाब ऑफर का लुत्फ लें, जल्दी करें। आपका खुशामदीद हमारे आउटलेट में, जो कि 60 क्विंट्स प्ले ड्राइव एट इंटरसेक्शन क्लोज टू हाईवे 27 एंड रेक्सडेल अपोजिट टू वुडबाइन रेस ट्रैक। जल्द से जल्द इस ऑफर का लुत्फ लें। आज ही कॉल करें सुनील अग्रवाल को 647-703-0218। KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433. Or visit www.gaskhantravels.com. देखिए खेल की आवाज हर पीर शाम 7 बजे। आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे। इस्लाम इन मॉडर्न टाइम हर मंगल और जुमा शाम 6 बजे। कैनेडियन मोज़े हर बुध रात 8 बजे। रियलिटी कॉफी टॉक हर जुमेरात शाम 7 बजे। टुनाइट टॉक हर जुमा शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तियाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तियाब। दुनिया के कोने कोने में पहुँचेगी आपकी आवाज सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज डीलर हैं। 5-स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तियाब हैं, जो आप बा आसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. डिक्सी और एग्लिंटन के इंटरसेक्शन पे तशरीफ लाइए ज़ौक रेस्टोरेंट। जायहेदार लजीज खानों का मरकज, पाकिस्तानी, इंडियन और हक्का चाइनीज। आप हमसे लाइव बारबेक्यू और कैटरिंग के लिए राब्ता कर सकते हैं। राब्ते के लिए हमारा नंबर 905-625-7786। ज़ौक रेस्टोरेंट, ज़ौक वालों के लिए। Help those who are in dire need. Help low-income tier, volunteers are ready to help families in need.
We are serving people daily, delivering to white-collar people, commission-based workers, women who stitch, factory workers, and many more classes. Every day through our enablement drive and constant support from friends and family, we have served over 1,300 families with ration hampers worth 5 million rupees. Your donation can save lives. The best charity is given in Ramadan. Awaz Entertainment Foundation. Donate now. KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433. Or visit www.gaskhantravels.com. पूरे ऑन्टेरियो में लाखों लोग अपनी कोविड 19 की वैक्सीन हासिल कर चुके हैं। हेल्थ कनाडा की मंजूरशुदा तमाम वैक्सीन्स महफूज और अस्पतालों, डॉक्टर्स के दफातर, फार्मेसीज और आवामी वैक्सीनेशन के मुकामात पर हासिल हैं। अपना किरदार अदा करें, अपनी वैक्सीन हासिल करें। 300 जुबानों में मदद के लिए ontario.ca/bookvaccine पर जाएं या 1-888-999-6488 पर कॉल। ब्रेक के बाद वापस आए, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। अब जो लोग मुझे अपने मेरे फोन पे कॉल करते हैं तो प्लीज वो उनको चाहिए प्रोग्राम में कॉल करें, डायरेक्ट 6474840018 पे कॉल करें, इसलिए कि प्रोग्राम लाइव ही लोग देख रहे होते हैं और उनको नंबर शायद वो मिस हो जाता है, तो वो इस पे कॉल कर सकते हैं फोन के ऊपर, तो मैं इस पे ओएआर करूंगी। जी हेलो जी। जी जी बात ये है कि वो टॉपिक आपका कहीं था और बात वो कहीं और चली गई। जी बात तो अब कराची में चली गई, कराची के ऊपर लोग ज्यादा वो बात करना चाह रहे हैं, कराची की गंदगी पे बात करना चाह रहे हैं। अब वो चली गई, आपको पता है इमरान खान की जो है ना बेगम है उनपे लोगों ने बात निकाल ली, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने वो नहीं चाहती है वो, जिसकी वजह से उस्मान बुज़दार जो है उनका अब देखें बात है, वजीर आजम इमरान खान पे बात होनी चाहिए, अब उनकी बेगम पे हम तो वो किसी उस पे भी नहीं है, अब उनकी बेगम से के बारे में हम क्या बात करें। आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि बगैर तस्वीर किए वो बात को आगे बयान करते हैं। जी अब हमें पता नहीं है ना इस बारे में, तो हम कुछ हमें मालूम नहीं है इस बारे में, हमने कोई ऐसी चीज कोई ऐसा बयान कोई चीज नहीं देखी कि जनाब जी को आ गया हो। हाँ लेकिन इमरान खान साहब ने एक स्पीच के अंदर अपनी कॉन्फ्रेंस में शायद किसी टीवी इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही थी कि मैंने लाहौर का शहीद क्यों क्यों तब्दील किया, कि मेरे फैमिली का प्लॉट था मुझे वो उसके कब्जा नहीं मिल रहा। जी जी हाँ ये तो सुना था उन्होंने, कहा था लाहौर का जो मैंने इसलिए चेंज किया कि मेरे बहनोई का प्लॉट था। जी तो अब ये इसको अकरबा परवरी, इसको आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? और जी इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल, यहाँ नहीं हुआ कि एक किसी पीओ से आपके बहनोई का प्लॉट खाली नहीं हो रहा तो आपने दूसरे को लगा दिया कि मैं ये काम करा के दो, करा वो भी नहीं सका, कोर्ट ने ओरिजिनल पार्टी के हवाले कर दिया वो प्लॉट। तो बात ये है कि हम तो कारकर्दगी में बात कर रहे हैं, हमारी को इमरान खान से कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं। देखिए इमरान खान एक बात सुने, इमरान खान को ये तो कहा जा सकता है कि एक ऑनेस्ट इंसान है, अभी कॉलर आके फिर बोलेंगे मुझे तो, मगर ये कि कोई करप्ट नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है उसके अंदर, और देखिए उसके पास तो सब कुछ था, वो 22 साल की जद्दोजहद करके आया तो वो किसके लिए आया, एक मुल्क के लिए आया, मुल्क को संवारने के लिए आया, आवाम के लिए आया, बस ये कहना चाहिए कि हाँ वो चीजें कर नहीं सका, डिलीवर नहीं कर सका, मेन चीज ये है, पर आया उसकी सोच तो एक अच्छी थी, एक सोच लेकर आया था, पर शायद उसको कुछ तरीका नहीं आ रहा करने का, क्या वजह है, वजूहात क्या है ये समझ में नहीं आ रहा, करने की कोशिश भी करता है पर कर नहीं पाता, तो ये बताएं आपकी क्या राय इस सिलसिले में। देखिए सिंपली बात ये है कि वो ईमानदार है, ऑनेस्ट है, सब कुछ है। जी ईमानदारी को से मुल्क नहीं चल सकता, बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, ईमानदारी से मुल्क नहीं चल सकता, अगर ये कि उसकी एक सोच तो अच्छी थी ना, जो सोच को लेकर वो आया था। जी 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 बोले, हेलो हेलो जी हेलो हेलो जी जी गैलर सर्वे रिपोर्ट डे बिफोर यस्टरडे है, आज भी उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में मकबूल तरीन इमरान खान है, आप सोचें
आज भी ये कहा तो यानी कि आज भी ये कहा गया है कि मकबूल तरीन इमरान खान है, तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान जो वजीर आजम नवाज शरीफ को लोग नारे लगा रहे हैं कि चौथी बार भी वो बन जाएगा वजीर आजम, जावेद लतीफ साहब तो साफ तरीके से बोल रहे हैं कि वो वापस आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो वापस आएंगे? कौन नारे लगा रहा है? वो चले हुए कारतूस मुसद्दिक मलिक जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जो जावेद लतीफ जिनकी कोई पार्टी में हैसियत नहीं है, ये मरियम के सामने हाथ बांध के खड़े रहते हैं, जो जिनकी कोई हैसियत नहीं है, तो भाई इनसे क्या होता है? नारे इसलिए लगा रहे हैं कि उसको जिंदा रखना है। आप यकीन करें कि ये भी जिंदा रहता नवाज शरीफ, अदालत ने बोला ये भी अगर लड़खड़ा गया तो ये पंजाब में बोलेंगे ये भी जिंदा है। तो बात ये है कि किसी की करेक्टर एसेसिनेशन नहीं करनी चाहिए। हम किसी की माँ बहने, आप कोई मुल्क रियासत की कोई जिम्मेदारी ले रहा उसको हम नहीं बख्शेंगे, जो हमारे वोट से आए हम उसको नहीं बख्शेंगे। आप सोचें कि आप यही तो क्या था नवाज शरीफ ने कि बेनजीर की तस्वीर। अच्छा एक सेकंड के लिए उड़ गए। जी हेलो जी। जी सिस्टर जी, वो ये लोग समझते हैं कि दूसरा जो है ना चले खा रहा है जी। ये जो अभी आगे कह रहे हैं कि आज सर्वे आया है परसों, तो वो सर्वे का जरा ये भी बता दें कि जो इमरान खान का सूबा था खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे इमरान खान की मकबूलियत जरा कितनी है? 17% सिस्टर, 17% सही है। 43% ने इमरान खान को कहा है अच्छा काम कर रहा है और 47% ने कहा है कि गलत काम कर रहा है, सही है। ये पूरा नहीं बताएंगे, उनसे पूछे तो आगे बताएं तो फिगर क्या है। जेपीके में 17% इमरान खान को लाइक कर रहे हैं लोग, सिर्फ जो इमरान खान का अपना सूबा था। और बातें आगे करते ऐसी हैं कि जी वो मुसद्दक मलिक ने क्या कर दिया और फलाने क्या कर दिया। मैं भाई मुसद्दक मलिक या तेल बेचने, इमरान खान की बात करो यार तुम, इमरान खान क्या कर रहा है? इमरान खान क्या कर रहा है? एक साल का और मेहमान है, उसके बाद टाइम टाइम फिश है, सिंपल इज दिस। अच्छा थैंक यू जी। हेलो जी जी, वो कह रहे भैनोई का जो प्लाट है उसकी वजह से वो उसको आईजी को तब्दील किया जी। कोर्ट किसी के खुले हुए हैं? नहीं नहीं, वो तो हकीकत में उसे खुद टीवी पे बोला है, ये तो किसी पे दो राय नहीं है जी। तो पकड़ो उसको, सदा करो, इच्छा इमरान खान को उल्टा लटकाओ। यानी कि आप चाह रहे हैं कि इमरान खान को उल्टा लटका दिया जाए? इसलिए तो खुद फंस गया इमरान खान ने बकौल कहीं उनकी अगर ये बात सच्ची है और कहीं नहीं, उनकी बात वाकई में सच्ची है, इसलिए कि ये तो मैंने भी सुना था। मैं भी अगर अगर स्पीच चला सकती तो चलाती आपके लिए स्पीच। बात सुने, मेरी बात सुने, सुनाए सुने, ऐसी बात ना करें, तसल्ली से सुने बात। अगर वाकई से बात की है तो फंस गया, कोर्ट में भी फंस गया, हर जगह तो फंस गया, तो उसकी गवाही होगी, शहादत होगी, उसको सजा हो जाएगी, हुकूमत खत्म हो जाएगी। मुझे वैसे हैरत की बात है ऐसी आपसे जब आप कह रहे हैं नहीं सकता। आप एक बात सुने, मैं आपसे ही बात करना चाह रही हूँ। आप कह रहे हैं कि उसको सजा होगी, उसको कोई बख्शेगा नहीं, आप इसने ऐसी बात की, तो आप इतना टीवी देखते हैं, आपने ये चीज नहीं देखी? बार बार टीवी पे तो हाईलाइट किया जा रहा है। झूठ है बात, वही तो बता रहा हूँ बहन मेरी, झूठी है बात। कहाँ झूठी? इमरान खान अपने लफ्ज अपने अपनी जबान से अदा कर रहा है, अपनी जबान से बोल रहा है टीवी पे, इसको ज्यादा बोल रहा है या वो क्या है उन्होंने? तो आप कैसे कह सकते हैं झूठ है? वो उसके मिसप्रिंट किया है, कुछ भी किया तो जाली है, मतलब वो वीडियो। तो आप कैसे बोल सकते हैं वो जाली है? ये तो पकड़ने वाली चीज है ना, ये तो अपोजिशन 2 मिनट में लेके कोर्ट में पहुंची भी होती। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप कैसे कह सकते हैं कि जाली है? वो जाली सी होगी कि इतना बड़ा वजीर आजम मुल्क का इतना समझदार आदमी वो ऐसी बात बेवकूफी कर नहीं सकता, जैसे ये लोग करते हैं बेवकूफी की, वो नहीं कर सकता, हमें पता है ना। अगर किसी ने बात की है तो ठीक है, पकड़ा जाए, उसको सजाओ। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो बात नहीं कर सकता, जबकि उसने खुद टीवी पे बात कर रहा है, वो चैनल पे बैठा हुआ बात कर रहा है, आप कैसे कह सकते हैं ना? वो सच्ची वो पीछे जो भी है वो कोर्ट उसको तस्लीम कर ले और उसको सजा दे दे तो हम तस्लीम कर लेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ की इसलिए तस्लीम करते हैं कि कोर्ट ने सजा दी है उसको। अच्छा एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी जी जी, ये भी कहा था खाता है लगाता है। हाँ आप सोचे, जब इमरान खान ने ये बोला है कि बहनोई का प्लाट है तो खाता है लगाता है, लोग खुश होते हैं, करेक्शन कर रहा है। तो यानी कि आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि उसने बोला है कि बहनोई का प्लाट था जिसके इसमें आएगी? तस्लीम किया ना, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ, मैंने ना सुना है, सुनूंगा। अच्छा एक सेकंड के लिए होल्ड करें। जी होल्ड करें। जी हेलो जी जी सर, वो कह रहे हैं इमरान खान ऐसी बातें नहीं कर सकता। हाँ आप बताएं। अच्छा चले आप एक बात बताएं कि आपने सुना कि इमरान खान ने कहा कि मेरे बहनोई का प्लॉट है, आपने भी सुना होगा, आप तो इतना टीवी देखते हैं, सुना ही नहीं होगा। परसों मैंने आपको कॉल करके आपको ये बात बोली कि उसने 12 जो वजीर है उसने वो जो आईजी चेंज किए हैं वो इस वजह से चेंज किए हैं कि उसका वजीर उसके बहनोई का प्लॉट था, अगर आपको याद हो परसों का। जी आपने परसों बात की थी और ये मैंने खुद सुना है, अब ये लोग तस्लीम नहीं कर रहे हैं, बात नहीं बन रहा है। मैंने ही आपके प्रोग्राम में ये बात बोली थी कि उसका बहनोई का प्लॉट खाली कराना इस
से कोई अब तक करा नहीं पा रहा, इस वजह से चेंज पे चेंज हुई तो चले जा रहे हैं वजीर वहाँ के आईजी जो है इतनी जल्दी इतने ज्यादा आईजी चेंज। और इमरान खान ने यहाँ तक जो बात हो रही है ना पीरनी की, इमरान खान ने खुद ने कहा है कि उस्मान मेरी वाइफ उस्मान गुजार को बहुत पसंद करती हैं, इमरान खान के अल्फाज हैं ये भी उसने तकरीर में कही है इमरान खान ने। ये भी मैंने सुना था तकरीर में कही थी अपनी स्पीच में जी। तो ये कोई हम लोग कोई, और उन्होंने कहा कि उस्मान गुजार जो है ना पंजाब में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और ये जो खामोश रहते हैं खामोश रह के काम करते हैं, इमरान खान के अल्फाज है मेरे नहीं है, उन्होंने कहा जो खामोश रह के काम करते हैं जो शोर नहीं मचाते वो गुजार है, जो लोग काम नहीं करते वो शोर बहुत मचाते हैं उधम बहुत मचाते हैं मगर काम नहीं करते, मगर उस्मान बुज़दार जो ना काम कर रहे हैं उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। पीरनी इमरान खान ने खुद ने कहा कि जी मेरी वाइफ पीरनी को उस्मान बुज़दार बहुत पसंद है तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पंजाब जी में। उन्होंने ये कहा कि वो काम उनका बहुत पसंद है, ये नहीं कहा बहुत पसंद है, उन्होंने कहा काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनको उनका काम लोगों को नजर आएगा उनकी कारकर्दगी, लोग काम नहीं करते मगर धूम मचाते हैं उधम मचाते हैं, ये उधम नहीं मचा रहे ये खामोशी से काम कर रहे हैं, ये अल्फाज थे उनके। अंकल आगे कह रहे हैं रेहान अंकल कि वो इमरान खान बेवकूफ थोड़ी है भाई, वो कह रहा है कि भंग बनाओ भंग 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 बेचो, आप कह रहे हो बेवकूफ नहीं है, वो इस तरह की तो बातें कर रहा है यार, हर हर दफा तो वो यूटर्न ले लेता है और आप कह रहे हो कि वो इस तरह की बातें, वो वजीर आजम है ऐसी बातें कहा करेगा जी। थैंक यू सिस्टर जी। हेलो जी जी हेलो जी। वो कहते हैं ना कि गैलप सर्वे रिपोर्ट पाकिस्तान की है पिशावर की नहीं है, और पिशावर भी पाकिस्तान में चारों सूबों की उसने कहा कि मेजोरिटी जो है ना इमरान खान को पसंद करती है, तो बात ही खत्म हो गई। अब वो जा रहे हैं नेगेटिव जगह पे कि 17% पिशावर में, मैं कहता हूँ 1% पिशावर में, मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तान के गैलप सर्वे रिपोर्ट एक प्रोविंस का नहीं आता है। और दूसरा ये कि फिर वो आगे कि भाई वो पसंद करती है अगर वो वजीर आला को तो इसमें क्या बुराई है, अगर कोई नफरत करता है तो उसमें क्या बुराई है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है जो पसंद करती है। और दूसरा ये कि कॉलर ने बड़ी अच्छी बात की कि बगैर तहकीक के कोई बात कहे इसका मतलब वो आपकी सच्चाई नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, तो बात ये कि तहकीक करके आए ये गैलप सर्वे रिपोर्ट पूरे पाकिस्तान की है। चलो जी जी हेलो जी जी हेलो ना से पहले मैं कहना चाहती हूँ आप बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह नजर नहीं लगे। और मैं एक अरे बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच जी जहीना वेरी वेलकम। इमरान खान के तो मैं कहूंगी कि खुद को सादे कमीन समझा है, खुद को सादे कमीन समझा है इस कदर हमें दीन समझा है, सातवें आसमान पे बैठे हैं इसको जेरे जमीन समझा है, इतना जोग्राफिया से वाकिफ है रूस को हमने चीन समझा है, और ये बात समझने से कासिर हूं मैं। अजीब ड्रामा ये कि महंगाई खत्म करने के लिए मजीद महंगाई कर रहे हैं, कर्जा खत्म करने के लिए मजीद कर्जे ले रहे हैं, करप्शन खत्म करने के लिए सारे वुजरा जितने मुशरा है वो सारे के सारे मजीद करप्शन कर रहे हैं, तो यही है हुकूमत की कारकर्दगी, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ये कहना चाहती थी। बहुत शुक्रिया थैंक यू जी। हेलो जी यूजर्स मेलबॉक्स कांट एक्सेप्ट जी। हेलो हेलो तो आप कोर्ट में चले जाए ना या कोई भी कोई कोर्ट में चला जाए और उसको चैलेंज कर। आप मुझे क्यों कोर्ट में भेज रहे हैं, आप मुझे क्यों कोर्ट में भेज रहे हैं, आप मुझे क्यों कोर्ट में भेज रहे हैं, यकीन आ रहा ना उसकी बात का, हमें तो नहीं यकीन आ रहा, ठीक है ना। अरे मैं यहाँ पे देखिए यकीन की बात ही नहीं हो रही है, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये सुना है हमने और सबने सुना ये बात। सुने हम ये कह रहे हैं, हम ये बात नहीं कह रहे, आप यकीन की बात कर कुछ, हम कह रहे हैं कि कोर्ट में चले जाए वहाँ उसको वो अपने शहादतें दे सब कुछ दे, वहाँ ये तस्लीम हो जाए कि हाँ वाकई इसने ये बात की है, तो फिर हम आपकी बात मान लेंगे, ऐसे हम बात नहीं मान सकते। सही। और ऐसी बात आप करेंगी ना तो बात तो खराब होती है, फिर गलत मैसेज जाता है, जब तक कोर्ट से ऑर्डर ना आ जाए तब तक आप ऐसी बात नहीं करने का मजाज कोई भी नहीं है, ना मैं हूँ ना कोई है, जब तक कोर्ट। तो यानी कि आपको इतराज, एक सेकंड, आप मुझे समझ नहीं आ रही आपको इतराज किस बात का है, मेरी ये बात अंदर ये नहीं समझ आ रही। वो क्या कहते हैं, वो उन्होंने कहा कि वो जावेद लतीफ और वो तेल लेने गया, कल उसकी तारीफ कर रहे थे कि वो पेट्रोल लेने गया, आपका आज कह रहे हैं कि वो तेल लेने गया, हम इमरान खान की बात कर रहे हैं, भाई इमरान खान से उसकी बीवी पे क्यों चले गए आप इमरान खान की बात करो ना, हम सामने हम आपको जवाब देंगे इमरान खान के, और आप कर ही रहे हो, आपका तो ये नहीं पता कभी भुट्टो है कभी आपका लीडर नवाज शरीफ है कभी अल्ताफ हुसैन है, कल तक इमरान खान था आज इमरान खान नहीं है। नहीं इमरान खान को तो वो एक इतला के लिए अर्ज है कि इमरान खान को वो बहुत पहले से छोड़ चुके हैं, एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपकी इस बात समझ में आई है रेहान साहब की तरफ, प्लीज मुझे बता दें, एक्सप्लेन कर दें, इसलिए आपके फेवरेट कॉलर है वो, प्लीज मैं तो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही उनकी बात को। रेहान भाई जज्बाती हो गए, लेकिन रेहान भाई बात यही है कि वजीर आजम मोहतरम जनाब इमरान खान साहब
हो सकता है वो क्वालिटी की इस वक्त पी रहे हो, जरा आला क्वालिटी की हो, मगर उन्होंने बात यही कही थी कि मेरे बहनोई का प्लॉट जो है कब्जा कर लिया था किसी ने, तो इसलिए मैंने आईजी को तब्दील करा ताकि मेरे बहनोई का प्लॉट जो है वापस हो जी। तो वो बहनोई अब पता नहीं उनके कितने बहनोई हैं, तो मुझे तो नहीं पता, ये बहुत पर्सनल बात है, लेकिन अगर ज्यादा है तो फिर आईजी भी इसलिए मेरे ख्याल से ज्यादा तब्दील हो रहे हैं जी। तो बाकी जो है दूसरी बात ये कि लोग कह रहे हैं हुकूमत 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 तो खत्म हो गई, हुकूमत तो हमारे मिस्टर बाजवा कर रहे हैं, आप देखें वो सीआईए के डायरेक्टर का फोन उनके पास आता है, अभी जो है वो मस्कत के जो यानी अपने कतर के जी जो है वो अमीर जो नायब अमीर है वो बाजवा साहब से आ जाए मिलने के लिए बात करने के लिए जी। तो गवर्नमेंट तो कहीं नजर आ ही नहीं रही है, क्योंकि गवर्नमेंट उनको पता है गवर्नमेंट नायल है, ये इनकी कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं, तो ये तो मंजर आम से गायब है। मैंने जैसे भी कहा कि 6 सितंबर को भी इनको नहीं बुलाया गया, यानी मुल्क के वजीर आजम को इतनी बड़ी तकरीब में इन्वाइट ही नहीं किया गया। तो अब आप समझ लें, तो इस बात से पता है नजर, अगर जो हम जितनी भी बातें करते हैं हर दिन, अगर कोई पार्टी थी जो पाकिस्तान को तब्दील कर सकती थी और अभी भी कर सकती है, तो एक ही पार्टी थी जिसने पाकिस्तानियों को शऊर दिया, वो थी अल्ताफ, आप बात बताएंगे, वो थी अल्ताफ हुसैन की पार्टी। उसने पाकिस्तानी को शऊर दिया कि अगर आप पढ़े लिखे हो, गुर्बत कोई मसला नहीं है आपके असेंबली में जाने के लिए जी, सेनेटर बनने के लिए, वजीर बनने के लिए, आप मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री में बता दें कि इतनी बड़ी तादाद में। तो अच्छा आप बताएं कराची के हालात जो इतने खराब हो रहे हैं, तो इसको कराची को कौन बेहतर करेगा? चले अब इसको छोड़ें, दरअसल कराची के बारे में थोड़ी बात करें, जो कराची तो सबका है, पर कराची का कौन है? कराची का कोई नहीं है, कराची के लिए जब कराची की बात आती है तो सब मिलकर उसको लूटते हैं, उससे मफाद, कराची से किसी को मोहब्बत नहीं है, ना किसी से कराची वालों से मोहब्बत है, सॉरी टू से जी। अब आप मुझे बताइए कि मैं 2 साल हो गए ये कहते कहते हैं, आपने कराची से सबसे बड़ी दुश्मनी जो करीब उसकी आबादी आपने कम कर दी जी, ये वफाक की बुनियाद पे हुआ है। देखिए आप जो ये लफ्ज बोलते हैं ना, उसकी आबादी कम कर दी, ये मैंने बहुत आपके ही लफ्ज लोगों ने पकड़े हैं, और अब इसके बाद जो ना एंकरों ने ना चैनल के ऊपर, बड़े चैनलों पे ये उठाया है इशू, और ये बात करते हैं एंकर के भाई आबादी सबसे पहले क्यों कम की गई, यही लफ्ज मैंने कहा, ये तो मेरे चैनल पे बात हुई है, ये अब दूसरे चैनल पे बात होने लगी, तो इसका ये मतलब है कि इस प्रोग्राम को भी बड़े गौर से लोग सुनते हैं आपके तजिए को जी। आपके पास आने वाले 10 लोग हैं जी, और आप रिसोर्स दे रहे हो 5 लोगों का जी, तो बाकी 5 लोग क्या करेंगे? आप उस मसले को कैसे सही कर सकते हैं? 3-3.5 करोड़ की आबादी का शहर है, आपने पूरे मुल्क में उसके साथ ताअसुब करा, एब्लिशमेंट हो चाहे फौज हो चाहे तीसरी तमाम पार्टियां हो, मैं खुल के कहता हूँ जी, जो पद ने कराची के साथ ताअसुब कराए, एक आदमी ने, एक पार्टी ने आवाज नहीं उठाई कि भाई कराची पाकिस्तान का हिस्सा है, इसके रहने वाले पाकिस्तान के शहरी है, आपने इसकी आबादी 1.5 करोड़ आबादी किसी भी कम कर सकता है? तो यार आज तक हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है जी कि आप एक शहर की 1.5 करोड़ आबादी कम कर दो? आप मुझे बताइए कि पूरे पाकिस्तान में जो कौमी असेंबली की सीटें होती हैं वो 3.5-4 लाख पे होती है, कराची में 5 लाख-4 लाख पे सीट होती है जी, क्यों होता है भाई कराची के साथ ऐसा? आप मुझे बताएं कि कराची को पानी टैंकर से कितनी माफिया फायदा उठाती है और उसमें कौन लोग मुलव्वस है? कराची के शहरी पेट्रोल पे सबसे ज्यादा पैसा दे, कराची के शहरी बिजली पे सबसे ज्यादा पैसा दे, और सबसे ज्यादा बिल भी वही भरे जी। पूरे पाकिस्तान में बिजली चोरी होती है, वहाँ के बिल भी कम आते हैं, कराची में पेट्रोल महंगा, कराची में पूरे मुल्क से ज्यादा, क्यों भाई क्या ऐसी वजह है? और एक एक पार्टी जो इंकलाब है, बहुत ही दूसरी बात करना चाहता हूँ, कराची में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जी, तो आखिर कोई ना कोई तो वजह होगी जो उन्होंने 30-40 साल एक पार्टी को वोट दिया, जाहिर सी बात तो लोग नहीं है कराची के जी। और फिर आके ताशो की भी बात, अभी चौधरी निसार ने 4 दिन पहले कहा कि कराची में ऑपरेशन गलत हुआ था जी, और हमसे इजाजत के बगैर जो है वो जनरल साहब ने ऑपरेशन करा था, वो 72 बच्चे की जगह एसडीएम के खिलाफ ऑपरेशन करा, आपने तो ये 5 मिनट बात कहकर प्रोग्राम से चले गए। कराची में जो हजारों लोगों को बेगुनाहों को मार दिया गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चौधरी शुजात आते हैं कहते हैं 250 लोगों को हमने कराची के लोगों को जो है वो मारगिला की पहाड़ी पर दफन कर दिया मार के, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और बाद में आप आगे कहते हो कि ऑपरेशन ही गलत था जी,
तो भाई आपने क्यों तासुब करा कराची वालों के साथ ऐसा, क्या वो पाकिस्तान के शहरी नहीं थे जी? तो आपने एक पार्टी, वही इनकलाबी पार्टी थी, इन सबको ये लोग खाइफ थे कि ये पार्टी पूरे पाकिस्तान में जाएगी और गरीब और मतवस्त तबके के लोगों को ऊपर लेके आएगी और उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। ये हवा में बातें नहीं करी इमरान खान की तरह, उसने असेंबली में सेनेट में वजीर बनाए, मुफीद बनाए, मेयर बनाए और काम कर करके दिखाया। और कराची में जब मेयर था इनके उनका, तो कराची दुनिया में कई अवार्ड जीता, इतना जबरदस्त काम हुआ और लोग खुश थे। आप मानते, आप कहते हो कि कराची में जो एमक्यूएम थी तो वहाँ पे जो है वो चोरी और ये सारे इल्जाम उनके था। आप इस साल का सीजन उठा के देख ले, रिकॉर्ड वारदातें कराची में चोरी की, मोटरसाइकिल की, गाड़ियों की और डकैती की हुई है। अब कहाँ गए वो लोग जो बातें करते थे कि ये पार्टी जनाब इसमें मुलव्वस है, अब क्या हुआ? तो ये तासुब का जब तक पाकिस्तान से ऐनक उतरेगा नहीं, ये पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता, चाहे वो तासुब सिंधियों के साथ हो, चाहे वो तासुब पठानों के साथ हो, चाहे वो ताजिब सराइकियों के साथ हो। आप देखिए, मैं एक बहुत मामूली सी बात और बहुत अहम बात है ये जी, पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम सिलेक्ट हुई है, पूरे ऑन्टेरियो में लाखों लोग अपनी कोविड नहीं है जी, जी, दुनिया का वर्ल्ड कप है, उसके लिए तासुब करो। हम लोगों को टीम में शामिल कर दिया जी, दुनिया अपने अपने मुल्क की बेहतरीन टीम उतार रही है जी, हम अपने पसंदीदा नापसंदीदा खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर रहे हो। भाई आपके घर की टीम है क्या? हमारे पाकिस्तान की टीम है यार जी, हमारे पाकिस्तान की टीम है, इसको सबसे मजबूत उतारना चाहिए। तासुब की है ना उतारो, और जो आदमी मेरिट पे हो उसको आप आगे लेके उसको आगे लेके पाकिस्तान का हल है, और वरना कोई हल है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत सारे लोगों की कॉलें आ रही थी, मैं जरा इनका पूरा सुन रही थी, इसलिए कि इन्होंने जब ये बात की थी मेरे बहुत पहले चैनल में बात हुई है, अभी अब बहुत ज्यादा लोगों के शो में ये बात हो जा रही है कि कराची की आबादी को क्यों कम किया गया, 1.5 करोड़ आबादी कम कर दी गई है। तो मैं इनका मैसेज लेना चाह रही थी कि ये जरा तफसील करें, इन्होंने बहुत पहले मेरे शो में आके बात की है ये वाली, और एक बार नहीं बल्कि कई बार इन्होंने ये बात की है, और अब तमाम चैनलों पर ये बात होती है जी। हेलो जी, जी बोले जी, अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने जो लास्ट कॉलर ने बड़ी सच बात की मर्दमशुमारी जी, कि वाकई वो क्वांटिटी कम करके जाहिर किया गया है, नंबर वन। आप देखें ये तमाम चैनलों पे भी आप सुन रहे होंगे, ये पहले नहीं आती थी बात, अब सुनने में आ रही है, ये हकीकत है। लेकिन दूसरा, इन्होंने गलत बोला कि ये जो फॉरेन मिनिस्टर आया है ये आपका कतर का, ये इमरान खान से 2 घंटा मुलाकात की है, तो ये इन्होंने गलत राय दिया, इन्होंने गलत बोला है। अगर आज भी टीवी देख ले तो पता चलेगा, अखबार देख ले तो कोई सच और झूठ में थोड़ा सा फर्क रखे। दूसरा, इन्होंने कहा कि रिकॉर्ड मोटरसाइकिल चोरी हुई है, ये एक नंबर वन गलत बात बोली है इन्होंने। ऐसी कोई बात नहीं है कि रिकॉर्ड मोटरसाइकिल चोरी हुई है, चोरियां हो रही है, चोरियों की बात करें तो चोरियां पहले भी बहुत होती थी, और बहुत ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ स्कूटरें चोरी होती थी, मगर अभी की भी जो है ना वही सेम पोजीशन आ गई है, जो हालात थोड़ी बेहतर की तरफ गए थे अब बंद खराब हो गए हालात। पहले जब वो ये कह रहे थे जी हमने माफिया को पकड़ लिया, हमने लोगों को पकड़ लिया, इन्होंने ये बात सही बोला कि अब ये किसका नाम लेंगे, जाहिर है पहले एमकेएम का नाम लेते थे, और इन्होंने बड़ा अच्छा तस्करा किया एमकेएम का जी। तो बात यह है कि एक मौरूसियत और एक लिसानी ये पूरे तबाह कर रहा है, ये पूरे पाकिस्तान को देख रहा है, ये खानदान आ गया और लिसानी, या खैबर पख्तूनख्वा लिसानियत पे उसका नाम चेंज हुआ है, जबान पे चेंज हुआ है, अब बिल पास हुआ है असेंबली में, कैन यू बिलीव? तो आप ये बात करते हैं, ये इन्होंने सही कहा कि एक मौरूसियत, ये मेरा लफ्ज है, और दूसरा लफ्ज ये है लिसानियत, अगर इससे जान छोड़िए। थैंक यू जी। हेलो जी, जी जी सिस्टर जी, ये जो अभी लास्ट कॉलर भी बोल रहे थे, ये हमारे इनका नाम मैंने रख दिया क्लास के मॉनिटर, ये हर आदमी को झूठा बोल देते हैं, जिसका दिल में इनको जो जिसको ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ है, ये गलत है। कहने का मेरा मतलब ये सिस्टर कि आपने पूछा कि उस बुजदार को क्यों नहीं हटाया जा रहा, सही है ना? तो उसपे मैंने पीरनी का नाम लिया कि पीरनी वजह है, इमरान खान ये तकरीर में बोल चुका है, ये कह रहे हैं कि पीरनी को बीच में क्यों लिया है, अगर भाई जो सवाल हो रहा है उसका जवाब दिया जा रहा है। फिर इन्होंने कहा कि जी आप पीपल्स पार्टी को पसंद करते हो या नून को पसंद करते हो या अल्ताफ हुसैन को पसंद करते हो, भाई मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरे जो पाकिस्तान के लिए काम करेगा वो मेरी पार्टी है, सिंपल इज दिस। वो इमरान खान अब क्योंकि लंगड़ा घोड़ा हो गया है, इस वजह से उसको मैंने खारिज कर दिया है, अब जो भी काम करेगा वो वेलकम है। हर आदमी की अपनी पसंद है कि
मैं इनकी पसंद पे थोड़ी चलूंगा जी, इमरान खान को ही मैं लाइक करता रहूं। मगर कहने का मेरा ये मतलब ऐसा था, कल भी आपने प्रोग्राम में बात बोली थी कि किसी को आदमी झूठा ना कहे, आप झूठ ये झूठ बोल रहे हो, ये झूठ है। अब भाई आप नहीं पसंद कर रहे हो बात को, आप बोल रहे ये बात मेरे को नहीं पसंद, सिंपल इसमें आप झूठे को झूठा क्यों आप कह रहे हो? आपका प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, इसमें तो खामखाई का तासुर जाएगा जी। उन भाई ने कितनी जी, मैं यही कहती हूँ कि अपनी बात कर ले, उन्होंने देखे आपको पूरी बात बताई कितनी तफसील से, आखिर में आगे एक सेकंड का बोल रहे ये झूठ है, ये भी झूठ है, आधा सच है आधा झूठ है। भाई तुम होते कौन हो, मॉनिटर हो तुम, कौन हो यार तुम? अपनी बात करो, दूसरे पे वो मत करो। चले जी, ठीक है जी, थैंक यू जी। हेलो जी, जी हेलो, हेलो जी 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 जी, बताएं आप इस बात से एग्री करेंगे 2.5 करोड़ आबादी कम कर दी गई पाकिस्तान कराची की, क्यों? देखिए मैं आपको वजूहात बताया था ना। हाँ बताएं, सिंपल सी बात, आसान की बात है जी। कराची की आबादी अब तकरीबन 3 करोड़ के आसपास है जी, ठीक है, और शायद मरदमशुमारी में 1.40 करोड़ दिखाई गई है जी, 40 लाख या 1.70 करोड़ व्हाटएवर, बहरहाल जो आबादी दिखाई गई है उस आबादी को भी अगर आप प्रॉपरली उस आबादी में नशिस्तें तकसीम करें तो कराची की सीटें, हैदराबाद की सीटें, सक्कर की सीटें, सिंध के शहरी इलाकों की सीटें बढ़ती हैं जी। और अगर सिंध के शहरी इलाकों की सीटें बढ़ जाएंगी तो गांव वोटों से, देहात से, जहां से ये पीपी वाले डंडे के जोर पे वोट डलवाते हैं अपने नाम के ऊपर, वो कहानी खत्म हो जाएगी जी जी। अब प्रॉब्लम क्या है कि सीटें क्यों नहीं बढ़ती और आबादी में ये कटाव छटाव ये जो हुआ है ये क्यों हुआ है? क्यों हुआ है जी? वजह ये है कि अगर आप शहरी इलाकों की आबादी पूरी दिखा देते हैं तो फिर आप वो सरकारी चाइना कटिंग नहीं कर सकते जो आप कौमी और सूबाई असेंबलियों की नशिस्तों की बंदरबांट करते हैं कि ये इसका यहाँ से काट कर मलिर में मिला दो। अच्छा, एक कॉलर बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, एक कॉलर, एक सेकंड के लिए वहीं से लूंगी ये, जरा इनका मैसेज ले लूं जी। हेलो जी, जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मैं तो ये कहूंगा कि कॉलर को चाहिए ठंडा पानी पिए और बिलावल की तरह 2 दफा सांस ले, नॉर्मल रखे प्रोग्राम को। अच्छा दूसरी चीज ये कराची की जो बात हो रही है, अभी लास्ट कॉलर ने फिर जबरदस्त बात बोली है कि 1.3 करोड़ की आबादी है और ये कोई कॉम्पिटिटर नहीं है भुट्टो जिंदा का। आप यकीन करें जब मुकाबला होता है ना, कोई कॉम्पिटिटर था वो अल्ताफ हुसैन था। अब इन्होंने क्या क्या अपने एस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ एक ही पार्टी को जिंदा रखा जो बचपन से जिंदा है और उसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, वो एंजॉय कर रहा है 18वीं तरमीम से और सिंह को तबाह कर रहा है। यकीन करें कि ये कुत्ते जो है ना उसको नहीं पकड़ सका, सिंध के कुत्तों को। वो और आगे क्या करेंगे, तस्वीर में आते हैं और वो सारी तस्वीरों में आते हैं और नजर आते हैं। अरे भाई एक कुत्ते को पकड़ के तस्वीर खींच लो तो हम मानेंगे तुमने काम किया है। सिंध का जो बुरा हाल है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, यानी कि आप यकीन करें तालमी इदारे तबाह हो गए, तालमी इदारों में गधे बंधे हुए हैं, बकरे बंधे हुए हैं, गाय बंधे हुए हैं, वहां पे दूध निकालते हैं गाय की तालमी इदारों में, तबाह हो गया हॉस्पिटल, तबाह हो गया जी। और बात कर रहे हैं कि वो काम करते तो नजर भी आता है, अरे भाई काम दिखाओ ना कि काम किया। पूरा बारिश पहली दफा थोड़ी हुई है मेरी बहन, जब भी वह कराची डूब गया ये किसी को क्या इमरान खान के ही वक्त में नजर आ रहा है? आप ये सिर्फ भुट्टो जिंदा है इसलिए तबाह हो गया। मैंने कहा ना मौरूसियत को खत्म कर दें, देखिए ना कोई नई चीज कब आएगी, कोई नया बंदा आएगा तो नई तहकीक लेके आएगा, नई बात करेगा, कोई रिसर्च करेगा। अच्छा एक सेकंड और करें जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने तो बड़ी देर की आने में प्रोग्राम के अंदर, आज शामिल होने में प्रोग्राम के। मैं जरा बिजी था, गया हुआ था कहीं। अच्छा मैं समझी शायद वो आप स्पीच सुन रहे हैं, ट्रूडो वगैरह सबकी जो स्पीच आ रही है उसको आप बड़े गौर से सुन रहे होंगे कि आप इलेक्शन पे आके बात करेंगे यहाँ के इलेक्शन। मैंने कहा आप पूरी स्पीच सुनने के बाद आप इसका आके तजिया करेंगे जी। जी बात सिंपल सी ये है, एक बहुत मशहूर कॉल है जी कि 1000 काबिल इंसानों की मौत से मुल्क को इतना नुकसान नहीं होता जी जितना एक अहमक इंसान के हुक्मरान बनने से होता है जी। तो ये तजर्बा हमने करके देख लिया कि वो ऐसा शख्स हमारा हुक्मरान बना कि जिसने मईशत का भी बेड़ा डुबो दिया, अपना सफारत का भी बेड़ा डुबो दिया और सबसे बढ़ के जो सियासत में शायस्तगी थी उसका भी सत्यानाश कर दिया। पहले सियासत में
एटलीस्ट कुछ ना कुछ जो है अपना असूल जो है उसके मुताबिक चलते थे। कभी एक बार हो जाता था कि उसमें भी लोग ज्यादा कर जाते थे, लेकिन वो कभी शाज़ो नाज़र होता था। लेकिन उन्होंने आके ऐसा कल्चर अपना रोक दिया कि जो शायस्तगी का जो अंतर था उसको सियासत से बिल्कुल खत्म कर दिया, और पाकिस्तान के अपना हिसाब से सबसे बड़ा नुकसान इन्होंने यही किया मुल्क को कि सियासत से शायस्तगी का जो है अंतर वो निकाल दिया। बस इन्होंने जब किया हुए हैं एक रटा लगाया हुआ है, एनआरओ नहीं दूंगा, और जितने आपने इर्द गिर्द माफिया इकट्ठे किए उन सबको एनआरओ दे रहे हैं जी। और उसके बाद जो है हर दूसरे को गाली से पारना जो है वो इनका शेवा बन गया हुआ है। उसके बाद यह है कि एक हमारे साथी दोस्त हैं वो अक्सर कहते हैं कि इनको तो कभी उस वक्त तक मौत भी नहीं आनी जब तक इन्होंने अपना हार थूका हुआ चार्ट नहीं लेना। इन्होंने जितने आज तक वादे किए, जितने क्लेम किए, जितने दावे किए, उस हर एक से यू टर्न लिया और हर एक थूके वे को उन्होंने चाटा दोबारा। इसका नतीजा ये निकला है कि मुल्क की मीशत जो है उसका सत्यानाश कर दिया। पाकिस्तानी मार्केट जो है जो उसकी इमर्जिंग मार्केट में गिनी जाती थी उसको डाउनग्रेड कर दिया गया है। पाकिस्तान से जो है फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट थी वो बाहर जा रही है। गुज़श्ता 20 महीनों में 73 करोड़ डॉलर जो है बैरूनी सरमायाकार निकाल चुके हुए हैं। तो इसी तरह अब जो हमारा टोटल साइज है वो उसका 100 अरब डॉलर से कम के 50 अरब के नीचे आ गया हुआ है। तो इसी तरह बेरोजगारी मुल्क में जो है वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि लोग जो है वो अपना उसके अपना रोटी को भी मोहताज हो चुके हैं। जो लोग दिन में 2 दफा रोटी खाते थे वो अब एक टाइम की रोटी खाने के ऊपर मजबूर हो गए। यानी कि जो मैंने टॉपिक दिया है उसके मुताबिक आप बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और फिर वो मुल्क को इस बहरान से निकालेंगे। ये मैं इनकी नालायकी बता रहा हूँ ना इमरान खान साहब जी के जो तबाही उन्होंने की है। तो आपको ऐसा लगता है कि अब चौथी दफा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही बनने वाले? देखें नवाज शरीफ की तो मैंने अभी बात नहीं की, मैंने तो पहले इनकी नाअहली की बात की। वो तो नाअहली की तो आपने बात की, तो आपको की नाअहली की बात पे ही मैं बात कर रही हूँ कि आपको यही लगता है कि अब नवाज शरीफ वापस आएंगे, ये नाअहल हुकूमत हो गई है, अब इसको जाना है, ये अपना टाइम पीरियड भी शायद पूरा नहीं करेगी, कुछ कॉलर का कहना है, तो आप भी यही कह रहे हैं? नवाज शरीफ देखें आज उनकी पार्टी के भी एक अपना बंदे ने इससे पहले भी एक खबर आई थी जी कि नवाज शरीफ आएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो जिन लोगों ने उनको भेजा है वही लोग इनको वापस लेकर आ रहे हैं, मन्नतें करके लाना पड़ेंगी, वो लेकर आएंगे और नवाज शरीफ भी अपनी कौम को इस बुरी हालत में नहीं छोड़ सकते, उनको ये उनकी वो आना ही है और वो आएंगे और कौम को इस बहरान से निकालेंगे, ज्यादा शोर ये हो रहा है। तो आपकी क्या राय है सिलसिले में, आप बताइए? जी हाँ, जहाँ तक मेरा अंदाजा है जी वो आएंगे जरूर, वो उस वक्त आएंगे जब मुल्क में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा। जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हुआ तो मगर अब जो आके लोग कहते हैं कि उनको सजा याफ्ता है, उनको सजा सुनाई गई है, तो आपको क्या लगता है कि वो आके अपनी सजा काटेंगे, क्या करेंगे, क्या सोचते हैं? मैं सिर्फ आपसे सवाल कर रही हूँ, आप इसलिए हैं जी। जी देखें जब वो आएंगे यहाँ पे ये तो सिंपल सी बात है कि वो जेल जाएंगे जी, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है अब वो जजेस जो थे जिन्होंने ये गलत सजाएं दी थी वो अक्सर जजेस अब फारग हो चुके हैं और उस वक्त तक एक अब जो रह गया हुआ है दो वो भी फारग हो जाएंगे। अच्छा, तो उसके बाद थोड़ा सा आजाद अदलिया का कॉन्सेप्ट अगर हुआ तो उनकी जमानत जो है वो मंजूर होने के बहुत से चांसेस हैं। और बल्कि उस क्या ये जो अभी मरियम नवाज की जो नेक्स्ट अपील है इसके ऊपर ही जो उन्होंने देखें पहले ये कहती हैं कि मरियम खामोश रहे तो इनको प्रॉब्लम होती है, जब वो बोले तो तब प्रॉब्लम होती है। अब उसने जो स्टेटमेंट दी है कि मैं अदालत को कहा कि मैं एक नई एप्लीकेशन मूव करना चाहती हूँ और नए सबूत देना चाहती हूँ जी। वो सबूत ऐसे हैं जिस वजह से खलबली मची हुई है, आप देखें हर चैनल के ऊपर उस बयान का तस्करा हो रहा है जी। वो उसमें क्या वो लेके आ रही हैं अपना, जहां तक मेरा ख्याल है सबसे पहले तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी का बयान एल्फी आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे ISI के चीफ ने मुझे कहा कि ये इनको नहीं छोड़ना, इनको सजा देनी है मैक्सिमम, एक होगी। दूसरी उनके पास एक वीडियो है जिसमें एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो नैब के बंदे को हदायत दे रहा है कि तुमने ऐसे करना है तो ऐसे सबमिट करो, हमने इनको नहीं छोड़ना है, एक वो ऑडियो आ रही है उसके ऊपर। उसके बाद कुछ ऐसे लोगों के साथ उनकी मुलाकातें हैं, उसकी तस्वीरें हैं जो वो लेके आ रहे हैं। तो इस तरह के उसके बाद जो अरशद मलिक वाली जज वाली थी वो उसको भी इन्होंने इसका पार्ट वो बनाना उस अपील का। तो ये जो ऐसे ये अपना लेके आ रहे हैं
तो उसकी वजह से ये जो अपील है ये लाजमी मंजूर होनी होनी है। उसके मैं मिसाल ऐसे देता हूँ, जस्टिस अब्दुल कयूम जो थे, जो एक स्कैंडल बना था नवाज शरीफ के दौर में कि शहबाज शरीफ ने उसको फोन किया था, जब वो बाद में साबित हुआ कि ये उसने फोन किया था तो वो मुकदमा बेनजीर के खिलाफ सारा खत्म कर दिया था, सारी प्रोसीडिंग खत्म कर दी गई थी। तो वो एक नजीर है, अब ये जब सबूत आएंगे तो उसके बाद जो है उसका जो है मरियम नवाज का उसका तो इमीडिएट फैसला हो जाना है। नवाज शरीफ जब यहाँ पे एंट्री होगी, उनको इस वक्त क्योंकि वो मुल्क से गैर हाजिर है इस वजह से उनकी अपना अपील जो है नहीं सुनी जा रही, जब वो मुल्क के अंदर आ जाएंगे तो उनकी अपील सुनी जाएगी, आपका कहने का सुनी जाएगी। और दूसरी बात सियासी बात जो है, मैं एक मिसाल देता हूँ उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि तुर्की के तैयब अर्दोगान जो है इनके ऊपर भी बैन लगी थी कि ये सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते फॉर ए सर्टेन पीरियड, उसके बाद वो सियासत से आउट हुए लेकिन पार्टी को उसी तरह चलाते रहे। पिछले इलेक्शन में इससे पिछले इलेक्शन में उनकी पार्टी 2/3 मेजोरिटी के साथ आई तो वो दूसरा बंदा प्रेसिडेंट बना, उसके बाद असेंबली ने 2/3 मेजोरिटी के साथ वो वाला अपना सजा उसको माफ की, कानून चेंज किया, उसके बाद वो पहले सदन ने रिजाइन किया और इन्होंने फिर हल्फ ले लिया। तो ये तो एक सियासी तरीकाकार है। तो अगर जैसे हालात हैं, जैसे इमरान खान की कारकर्दगी है और जैसे अपना पीपल्स पार्टी के अभी गए थे बिलावल साहब पंजाब में, उनको कोई पिजिराई वहां पे नहीं मिली, जितने लोगों को उन्होंने कांटेक्ट किया कोई उनकी पार्टी में शामिल नहीं हुए, उन्होंने जलसे किए जलसे उनके नाकाम हुए, तो इसलिए जाहिर है कि उसके बाद वाहिद ऑप्शन जो है वो मोज़ाम्बिक नवाज रहती है वहां के लोगों के पास। वो अगर 2/3 से आती है तो फिर जाहिर है कि वो तो ये वाला फिर चौथी दफा भी बांध सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। थैंक यू वेरी मच। यानी कि आपको पूरा अंदाजा पूरा आइडिया है कि चौथी दफा यही वजीर आजम बनेंगे। जी हेलो जी 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 बड़ा लंबा इंतजार हो गया। हाँ अब आपको टाइम दे रही हूँ मैं, हालांकि कॉलर बहुत सारी है मगर मैं आपको टाइम दूंगी, इसलिए मुझे एहसास हो गया आपको बहुत लंबा हो गया, ब्रेक के बाद दूसरे कॉलर लूंगी, आपको पहले टाइम दूंगी। जी अभी नहीं ब्रेक पे जा रही, अभी मैं बात कर रही हूँ आपसे। जी बोले। अच्छा तो बात यह है कि मैं जो बात कर रहा था वो कराची की आबादी के हवाले से बात कर रहे थे, तो बात यह है कि जब आप इतनी आबादी को कम कर देते हैं तो उसकी वजह ये होती है, अगर आपने आबादी काउंट की होती कराची की पूरी और ये सरकारी चाइना कटिंग ना की होती जी, तो आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, क्योंकि वजह यह है सारी की सारी कि अगर ये सारी आबादी काउंट हो जाएगी इसके हिसाब से सीटें बन जाएंगी तो कराची की सीटें ऑब्वियसली सिंध असेंबली में ज्यादा होंगी जी, और जब सिंध असेंबली में सीटें ज्यादा होंगी तो ऑब्वियसली वजारत आला जो है आपको लगता है इसलिए है ना वो उन्होंने कटौती की जी। अरे आपकी आवाज को क्या हो गया, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, प्लीज जी अब आ रही है। हाँ अब आ रही है जी। अच्छा एक सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करें, सबको मैं होल्ड पे डाल रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। जी बोले जी, जी जब सिंध असेंबली की सीटें बढ़ जाएंगी तो फिर सिंध का वजीर आला शहरी इलाकों से आएगा जो बहुत सारे लोगों को कबूल नहीं है जी, कि सिंध के शहरी इलाकों से कोई आदमी जो है सिंध का चीफ मिनिस्टर बने या उसके पास सूबे की बागडोर आए। बागडोर है ओके। और ये सीधा सीधा मतलब मैं बिल्कुल साफ और सीधी बात करूंगा जी, ये ताकतुब की ऐनक है जो सब पढ़ाए बैठे हुए हैं और उस ताकतुब की आड़ में उन्हें ये कबूल है कि सिंध बर्बाद हो जाए, उन्हें ये कबूल है कराची बर्बाद हो जाए, लेकिन उनको ये कबूल नहीं है कि इस सूबे के अंदर कोई ऐसी पार्टी या कोई ऐसे लोग इख्तदार में आ जाए जिनका ताल्लुक शहरी इलाकों से है, ये उन्हें कबूल नहीं है, वो कबूल नहीं है जिसकी वजह से उन्होंने कम कर दिया आबादी जी। तो इस आबादी को कम करके उन्होंने अपना वो पूरा किया है। हाँ वरना क्या था, इमरान खान को जब प्लेट में रख के वजारत उज़्मा दी गई थी जी, जो जिस तरीके से भी वो तो अब ओपन सीक्रेट है सबको मालूम है वो क्या हुआ है जी, ठीक है ना, तो जब वो दी गई थी उनको तो उसी तरह सिंध में भी एक काम किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि विलिंगनेस नहीं है जी, आप करना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते सही, आप करना नहीं चाहते इसलिए आप वो मेहनत करना ही नहीं चाहते। बात ये है कि अगर आप वो इनके हाथ में दे देंगे तो ये इन्होंने तो रक्षा बदल के रख देना है, क्योंकि ये है पढ़े लिखे लोग, ये चोर चकार थोड़ी है जी, जिन पर तो आप वो लोग हुकूमत कर रहे हैं जिनका बुनियादी पेशा ही चोरी चकारी है जी। बहुत अच्छी बात की है आपने, छोटे छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, कहीं नहीं जाएंगे, मैं साथ रहेंगे, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। पूरे ऑन्टेरियो में लाखों लोग अपनी कोविड 19 की वैक्सीन हासिल कर चुके हैं। पूरे ऑन्टेरियो में लाखों लोगों ने अपना कोविड 19 टीका लगवाया है। स्वास्थ्य कनाडा द्वारा अनुमोदित सभी टीके सुरक्षित हैं और अस्पतालों, डॉक्टरों के कार्यालयों, फार्मेसियों और सामूहिक टीकाकरण स्थलों में उपलब्ध हैं।
अपनी भूमिका निभाएं, अपना टीका लगवाएं। वेबसाइट ontario.ca/bookvaccine पर जाएं या 300 भाषाओं में सहायता के लिए 1-888-999-6488 पर कॉल करें। पाकिस्तान का सबसे मशहूर एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन मुगल बासमती राइस अवेलेबल इन बोथ व्हाइट एंड सिला। होम डिलीवरी इज अवेलेबल सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑर्डर एंड रेडियस, ऑल्सो अवेलेबल एट योर नेबरहुड फ्रेशको। मजीद मालूमात के लिए आज ही कॉन्टैक्ट करें 5146630480 पर या ऑर्डर करें हमारे फेसबुक से। बनाए ये रमजान और भी खास मुगल बासमती के साथ, The premium choice for premium taste. आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तियाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तियाब। दुनिया के कोने कोने में पहुँचेगी आपकी आवाज सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433. Or visit www.gaskhantravels.com. देखिए लाइव जुमे का खुतबा हर जुमा दोपहर 1:30 बजे। हालाते हजरा हर हफ्ते की शाम 7 बजे। अवेयरनेस हर इतवार शाम 7 बजे। थिंक अबाउट इट हर मंगल शाम 7 बजे। कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें सिर्फ बातों ही बातों में हर जुमेरात शाम 8 बजे। मस्ती की शाम हर इतवार शाम 8 बजे। बच्चों की दुनिया हर जुमा शाम 5 बजे। लेट्स फाइंड आउट हर बुध की शाम 7 बजे। देखिए तकरार कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज डीलर हैं। 5-स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तियाब हैं जो आप बआसानी से ले सकते हैं। एट डिक्सी वी सेल क्वालिटी एंड डिलीवर कॉन्फिडेंस। ₹2020 का लाजवाब ऑफर जहां हम 0% फाइनेंसिंग पर आपकी मन पसंद कार दे रहे हैं, फ्री विंटर टायर्स और साथ ही हम मुफ्त ऑयल चेंज भी दे रहे हैं, वो भी उम्र भर के लिए। अभी आएं और इस लाजवाब ऑफर का लुत्फ लें। जल्दी करें आपका खुशामदीद हमारे आउटलेट में जो कि 60 क्विंट्स प्ले ड्राइव एट इंटरसेक्शन क्लोज टू हाईवे 27 एंड रेक्सडेल अपोजिट टू वुडबाइन रेस ट्रैक। जल्द से जल्द इस ऑफर का लुत्फ लें। आज ही कॉल करें सुनील अग्रवाल को 6477030218। जी नाजीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए हैं। रेहान साहब बहुत उसमें थे कि मुझे जरूर ले लीजिएगा, पहले सबसे पहले मुझे लीजिएगा, मेरा 2 मिनट का सेकंड का शायद 2 मिनट का टाइम मुझे चाहिए, तो मुझे कोई मैसेज देना है बहुत अर्जेंट। तो अब आ जाए वो कॉलर। अब जब मैं किसी कॉलर से बात करना शुरू कर दूंगी, मेरे साथ इतने सारे कॉलर थे, होल्ड पे थे और कुछ कॉल
कॉल भी कर रहे थे तो मैंने नहीं किया, मैं उनका मैसेज ले रही थी बट साहब का, वो काफ़ी देर के बाद प्रोग्राम में शामिल हुए थे तो मैं उनका पूरा मैसेज ले रही थी, मगर सब कॉलर एक दूसरे पे बार बार आ रहे थे तो उनको नहीं किया। अगर आप चाहते हैं मैसेज देना तो आ जाएं, कॉल कर लें, नहीं कर रहे तो मैं अभी एक और कॉलर को अपने साथ एयर पे लेती हूँ और अब मैं लूँगी तो अब देखिएगा कि अब आ जाएंगे रेहान साहब, आप बार बार कॉल करेंगे, अब मैं जब उनसे बात करना शुरू करूँगी तो रेहान साहब आ जाएंगे और फिर जब ऑफियर मेरी इनसे बात होती है तो कहते हैं कि मेरा आप 2 मिनट का प्लीज़ टाइम दे दें मुझे, मेरा बहुत जल्दी में होता है। अब जी आप जब आप बात शुरू करेंगे ना तो फिर उनकी कॉल आएगी मेरे पास, देखिए वो आ गई है उनकी कॉल, मैं उनको ले लेती हूँ। बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये अभी पूरी कानूनी के जो बात की गई पूरी हिस्ट्री, हाँ मैंने पूरी सुनी, पूरी सुनी, उसमें एक पॉइंट मेरे समझ में नहीं आया। कौन सा पॉइंट? तो आप बार बार जो कॉल कर रहे थे सिर्फ आप ये कहने के लिए कर रहे थे कि आपको एक पॉइंट समझ नहीं आया? पॉइंट बहुत जरूरी है। अच्छा, वो बहुत जरूरी है जिसको समझना है आपने? हाँ। अच्छा, वो पॉइंट ये है, उन्होंने कहा कि वो आ जाएंगे इस तरह से, आ जाएंगे इस तरह से, आ जाएंगे। भाई जब जो जो जज है उसने ये फैसला किया, 3 अलग अलग फैसले दिए जी, 10 साल के लिए इन्हें इलेक्शन के लिए नाइल कर दे दिया। उन्होंने सुनाई ना, उन्होंने आपको एक और मिसाल बताई थी ना कि उसको भी नायल करार दे दिया गया था तो फिर दोबारा से वो आ गया पूरा मेजोरिटी के साथ जी। वो हाई कोर्ट ने दिया है, हाई कोर्ट ने ये चीज, यानी कि हाई कोर्ट ने दिया है तो आप कह रहे हैं नहीं हो सकता आपकी ये, आप अच्छा बताएं आपकी बात क्या नहीं समझ आई जो मैं इनसे लूंगी, एक मिनट होल्ड करें जी, आपकी क्या बात समझ में नहीं आई? कानून में ये लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट और ये जो बड़ी अदालत जो फैसला दे देती है ना एक दफा, या तो कानून खत्म हो जाए। ठीक है, टीवी का वॉल्यूम बंद करके आए करें, टीवी का वॉल्यूम क्यों नहीं बंद करते आप? कौमी असेंबली से कानून पास खत्म करना पड़ेगा। चले आपकी बात, आप एक बात सुने, आप उनसे क्या बात पूछना चाह रहे हैं? ये कानून समिति से ये इस तरह से नहीं हो सकता कि ये बगैर सजा भी हो और वो आ जाए और उनको नाइल भी कराना दे 10 साल, 10 साल की मुद्दत उनको पूरी करनी है। ओके चले ठीक है, मैं पूछती हूँ उनसे ये जी, आपने सुना रेहान साहब का मैसेज, वो आपसे सवाल कर रहे हैं। हाँ जी। उनको एक पॉइंट आपका समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा जब 10 साल की उनको सजा कोर्ट से हुई है तो वो 10 साल की सजा काटेंगे तब जाके उनको नाहल किया गया है, तो वो कैसे आके है ना इलेक्शन में शिरकत कर सकते हैं? जी वो इसलिए कि उनको जो सजा दी गई थी वो आर्टिकल 186 के तहत दी गई थी जी, वो जो है वो सो मोटो का जो इख्तियार था वो पहले भी अंडर अपना कंट्रोवर्शियल है कि अपना वो सिर्फ जो चीफ जस्टिस है वो उसके ऊपर फैसला ले सकता है या फुल बेंच को फैसला लेना चाहिए। तो जब उस आर्टिकल में अमेंडमेंट होगी मेजॉरिटी के साथ तो फिर जो है वो फैसला कलदम भी करार पा सकता है, तो उसकी ये कानूनी पोजीशन है। दूसरी बात ये है कि उसमें अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट को जो है वो ये अपना पाबंद बनाया जा सकता है कि उस फैसले के खिलाफ अपील हो सकती है, क्योंकि ये जो उनको नायल किया गया था ये पूरी दुनिया में ये वाहिद फैसला है कि जिसके खिलाफ अपील का हक नहीं दिया गया, जबकि पूरी दुनिया में ये एक नजीर है, अदालती नजीर है कि कोई भी फैसला हो उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। तो वो इसलिए जो है वो उसमें चूंकि अपील की अभी ऑप्शन नहीं दी गई थी तो इसलिए वो उसके खिलाफ अपील के लिए ये कानून में अपना वो आर्टिकल 186 जो है उसमें तरमीम की जा सकती है। कल आपने पूछा था कि ये चीनी की कीमत क्यों बढ़ी है जी, उसकी आज तफसील आ गई है जी। पाकिस्तान से यहाँ से चीनी अफगानिस्तान एक्सपोर्ट की गई और ये एक फेक वारदात की गई, उसको जलालाबाद के वेयर हाउस में रखा गया और कीमतें बढ़ने का इंतजार किया गया। जब यहाँ पे कीमतें बढ़ गई तो उसके बाद जो है तोरखम बॉर्डर को खोलने का अपना बंद ना करने का ऐलान किया गया, हालांकि उससे पहले तोरखम बॉर्डर जो है बंद भी था। अब वो तोरखम बॉर्डर बंद ना रखने का फैसला करके वो धड़ाधड़ चीनी जो है पाकिस्तान वापस आना शुरू हो गई है। तो ये तरीका वारदात है इनकी करप्शन का जो हर फील्ड में जो करते हैं, तो इसमें भी इन्होंने ये वारदात डाल दिया। अच्छा जी, एक सेकंड जी। हेलो जी, ये वो बात कर रहे हैं ना, नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाथी, एजम्पशन पे बात कर रहे हैं हम। वो 2/3 मेजोरिटी जब नवाज शरीफ की होगी तो कानून बदलेगा, यू नो। तो ये ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। चलें रियान साहब भी आ गए कुछ बात करने के लिए, एक सेकंड जी। हेलो जी जी, अभी उन्होंने वो बात कह दी ना कि अमेंडमेंट की जाएगी तो फिर हो सकता है। हाँ ठीक है, फिर सही है, अमेंडमेंट अगर हुई, अमेंडमेंट नहीं हुई, यानी के आप ये कहेंगे जी ये अदालत से अमेंडमेंट ही नहीं होगा। अच्छा, यानी हुआ या असेंबली से या कौमी असेंबली से तब हो सकता है, ये बात सही है।
यानी कि आप मानने के तैयार हैं ये बात? हाँ, नहीं, अगर अमेंडमेंट होगा, अमेंडमेंट नहीं हो सकता। चले अच्छा हुआ उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, वरना अमेंडमेंट हुआ नहीं आज तक। अच्छा, जो चीनी का उन्होंने वाकया सुनाया है वो आपको याद पता चला कि वो चीनी की तफसील आ गई, चीनी महंगी क्यों है? नहीं, चीनी का भी मैंने सुना नहीं, गौर से जवाब दूँ। अच्छा, यानी कि आपने क्यों नहीं सुना, आप क्या कर रहे थे? यानी कि आप, मुझे लगता है रेहान साहब, आपके दिमाग में जो बात चल रही होती है ना, बस वही बात आके आप मेंशन करते हैं, आप सुनते नहीं है कुछ भी। जी, हेलो जी। अजम्पशन की बात नहीं है, जो पॉलिटिकल रियलिटीज होती हैं। जब नवाज शरीफ पिछली दफा भी मुशरफ दौर मुशरफ ने उसको भेजा, उनको इख्तियारा साजिश केस में उम्र कैद की सजा दी गई जी। उनको अपना इलेक्शन लड़ने से नायल कर दिया गया, क्योंकि जब आपको सजा हो जाए तो आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। उसके बाद उसने अपना पाबंदी आइन में अपना अमेंडमेंट करवाई थी कि दो दफा से ज्यादा वजीर आजम नहीं बन सकता, लेकिन वो वापस भी आए अदालत से, अपना वो केस भी, जमानत भी हुई पास पार, उसके बाद केस भी खत्म हुए, उसके बाद आइन भी अमेंडमेंट हुआ, वो तीसरी दफा वजीर आजम बने भी जी। आवाम की ताकत बहुत बड़ी चीज होती है, यकीनन आवाम की ताकत के बगैर तो इंसान कुछ नहीं कर सकता, मगर आवाम को ही अब समझदारी से काम लेना चाहिए कि उसको चुनना चाहिए कि उसके लिए कौन बेहतर है कौन नहीं, पर आवाम तो कहीं खड़ी ही नहीं होती। आप ये देखे ना, मेन चीज ये देखे ना, हर कोई कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट लेकर आइए, एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, जब तक चाहिए एस्टेब्लिशमेंट जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान चलेंगे, जब उनका हाथ उठ जाएगा तो वो हट जाएंगे। अब इनको जिन्होंने, अब लोग यही बोल रहे हैं ना, जिन्होंने इनको भेजा था वही इनको लेकर आएंगे, इनकी पार्टी के लोग सारे बोल रहे हैं ना आके टीवी चैनल। लास्ट टाइम देखें, जब मुशरफ ने इनको निकाला तो एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला था ना, लेकिन जब वापस आए तो अवाम ने उनको अपना जितवाया, और उसके बाद जब अगले इलेक्शन में आए तो उनको असेंबली में 2/3 मेजोरिटी हासिल थी। तो इसलिए आप जितनी मर्जी एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल कर लें, अगर तो कठपुतली बंदा आए इमरान खान की तरह, अवाम पीछे ना हो फिर तो उसका हाल ऐसे ही होगा, लेकिन जब अवाम पीछे हो तो वो प्राइम मिनिस्टर रेजिस्ट भी करता है। प्राइम मिनिस्टर ये जब धरना दिलवाया हुआ था उन्होंने अपना 2014 में जी। तो ये लोग अपना प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंच गए हुए थे, वहां पे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट में उन पे उनपे प्रेशर डाला कि आप रिजाइन कर दें वरना वो अंदर आ जाएंगे। उसने कहा जो मर्जी हुए, आप चाहे गोलियां भी मैं यहाँ पे मेरे ऊपर चला लें, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। तो इसलिए जब जिस लीडर के पीछे अवाम होती है उसको जो है अपना हटाना भी मुश्किल होता है। जी, आने से भी नहीं रोका जाता। जाए आवाम की बहुत बड़ी ताकत होती है। एक सेकंड। जी, हेलो जी। जी सिस्टर जी, अभी तो देखें आज ऐलान हुआ है और ये लोग अभी से कांपने लग गए हैं कि वो आ रहे हैं, वो कैसे बन जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। वही है कि शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। कहने का मेरा ये मतलब है सिस्टर कि वो जब आएंगे तो ये बात तो पहले ही है कि वो जेल जाएंगे, उसके बाद वो अपील होगी, अपील के बाद इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। कितनी दफा, कोई मुझे आप बता देना कितने लोगों को सजाएं हुई हैं और वो अंदर हुए हैं। हर आदमी बाहर निकल आता है, पाकिस्तान तो है क्या जी? पाकिस्तान में कानून नाम की तो चीज ही नहीं है ना सिस्टर जी। हर कोई जमानत में लिख रहा है, देख रहे हैं, शहबाज शरीफ बाहर घूम रहे हैं, मरियम नवाज साहब बाहर घूम रही हैं, राणा सनाउल्लाह बाहर घूम रहे हैं, हर एक तो बाहर घूम रहा है, कौन अंदर है आप बता दें मुझे, कोई अंदर है तो बताएं कि ये सब अंदर है, इनकी सजाए एक है और अवामी लेकर आएगी उसको और अवामी ही उसको छुड़वाएगी, क्योंकि जब छोड़ना होगा वो छुट जाएगा। ये समझ लेंगे उनके क्या भी उनके हाथ में कि इमरान खान जिस तरह आए थे इसी तरह इमरान खान वापिस भी चले जाएंगे। कोई याद भी नहीं करेगा इमरान खान कोई आया था, मगर बेवकूफ जब तक जिंदा है तो अकलमंद तो खाता रहेगा ना। तो बस मसला वही है कि दो चार लोग एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी। जी जी, इन्होंने आज सच बात अजीब गरीब बात कर दी कि आवाम की ताकत होती है, आवाम लेकर आए। और कल तक ये कह रहे थे एस्टेब्लिशमेंट, सारे कॉलर बोल रहे थे कि वो ज़ियाउल हक़ ने उसको लाया, नवाज शरीफ वो जरदारी को लेके आया एस्टेब्लिशमेंट आपका, और आज कह रहे हैं आवाम लेके आई थी नवाज शरीफ को। आप देखें लोगों की शख्सियत परस्ती अभी एस्टेब्लिशमेंट को भूल गए और आवाम ने 2/3 मेजोरिटी दिलवाई। आप सोचे ये सब आते हैं, पहले बूथ पॉलिश करते हैं और उसके बाद ये आते हैं, कोई भी बगैर बूथ पॉलिश किए नहीं आता। इमरान खान को कहते हैं ना तो सभी सब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि 10 साल की सजा हुई थी तैयारा हाइकिंग उसमें हाईजैकिंग में, तो भाई उस वक्त इमरान खान नहीं था, उस वक्त सिर्फ दो पार्टी थी, कौन था? जरदारी, वो डील करता था, नवाज शरीफ एमपी था, फिर नवाज शरीफ एमपी डील करता था जरदारी। अभी वो दिन खत्म हो गए,
अभी है सामने इमरान खान, जब भी इतनी पकपक हो रही है यकीन करें सब मुश्किल में है, क्योंकि ये मुकाबला कर रहा है 11 पार्टियों का। आप पीडीएम ले लें जिसका भी, आप देखें मौलाना फजल रहमान जिस 30 साल से शातिर वो था सियासतदान, वो कोने में पड़ गया, जरदारी मुंह में टेप ला के बैठ गया, वो प्लेट लेने चले गया। तो आप वो दौर नहीं है कि आप उसको आप कंपेयर करें इतनी आसानी से कि लोग लेके आएंगे, लोग नहीं लेके आते, यही बूट पॉलिश वाले जो आप कहते थे आज से पहले वही लेके आते। थैंक यू जी। हेलो जी, जी हेलो। हाँ जी जी, हाँ जी। बात ये है कि चीज को मुकम्मल तौर पर समझना चाहिए जी। 11 साजिश केस में उम्र कैद की सजा हुई थी, उम्र कैद की सजा की वजह से आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं इलेक्शन लड़ने से। इसी तरह ये नहीं कहा था कि मैंने ये कहा कि अवाम ताकत हो पीछे तो दोबारा भी आने से कोई नहीं रख सकता। आपने यही कहा था, एक सेकंड होल्ड करें था, फैसल भाई आ गए लास्ट में। बिल्कुल फैसल भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा जी, मैं एक दो बातें करना चाहूंगा। सिर्फ एक ही बात कर सकते हैं, टाइम ही नहीं है, मैं खुदाफिस कह दूंगी। अच्छा चले, मैं देखे एक दो बात नहीं करें, एक बात कर लें, जो अगर ढंग की बात है तो वो कर लें। अच्छा जी, तो सारे ढंग की बात करें, अलावा मैरिज का मतलब ये आप ये बात करना है, कहना चाहती है जो जो आपकी जबान बोले वो ढंग वाला है और जो अपनी जबान बोले वो बगैर ढंग वाला है। नहीं, मेरी जबान तो कोई बोलता ही नहीं है। क्या लॉजिक है? यही लॉजिक है फैसल भाई, यानी कि जो फौज की तारीफ से करे जनरलों की तारीफ। देखिए, हमने फौज पे टॉपिक ही नहीं रखा, मेन चीज ये कि हमने फौज पे टॉपिक नहीं रखा। आप बताइए कि नवाज शरीफ वापस आएंगे और मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे नहीं जाएंगे, उस पर बात करें। सुने रहे जो इमरान खान की तारीफ करे वो सही है, जो नहीं है इमरान खान की। देखे कुछ लोग तारीफ, देखे हर पार्टी को सपोर्ट करता है हर कोई अपनी अपनी पार्टी को जी। जो पाकिस्तान को जो ना बहुत अच्छा है, दुनिया का नंबर एक मुल्क है, सबसे बड़ी ताकत है दुनिया की, सबसे स्ट्रॉन्ग जो है ना वो एजेंसियां है, सबसे स्ट्रॉन्ग फौज है, सबसे स्ट्रॉन्ग मईशत है, सबसे स्ट्रॉन्ग सियासत है, सबसे पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान के हैं, हर चीज सब कुछ है ना, ठीक है। तो बाकी सारी दुनिया जो ना ऐसी है, तो वो आपके लिए सबसे अच्छा घर रहेगा। अरे क्या लॉजिक लेकर आएंगे आप ये बात पे। चले एक बात सुने फैजल भाई, आप बताएंगे रेहान साहब की जो आज बातें सुनी आपने, आप उसके ऊपर क्या तजिया करेंगे? मैं समझा जाना टूट जाऊंगा बस। क्या खुदकुशी कर लूंगा? रेहान साहब की एक बात किसी की समझ में नहीं आई, अगर आपकी समझ में आई है तो जरा बात करें आप। उनको तो उनको पता क्या है रेहान भाई, रेहान भाई का अभी मैं हाथ देता है, उनको पिंकी चलाती है और रेहान भाई को मिसेज चलाती है। रेहान भाई और आप लोग, आप दोनों एक ही जैसे हैं। रेहान भाई को आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आती और आपको रेहान भाई की बात समझ में। चले वैसे भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में शामिल हुए। आप ज्यादा ज्यादा यही कहेंगे खुश रहे, मुस्कुराते रहे, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जिंदगी रही इंशाल्लाह, कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए जाना चाहते हैं अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। मैंने कहा कि अब खुदा हाफिज़ कह रही हूँ, अब मैं ना सिस्टम में शायद अभी तक मैं लाइव पे ही बैठी हुई हूँ जी। आप सबूत क्या हुए ना?